संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे जीवन के परम उद्देश्य को संपूर्ण रूप से उजागर करने वाली विरल चेतनाओं को, उनके पुरुषार्थ को, उनकी अनन्य दशा को शतशः वंदन नमन। पिछले सत्संग में श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग संपन्न हुआ। हमने धर्म की एक नई परिभाषा समझी, धर्म यानी आनंद अर्थात अद्वैत के साथ संबंध को जोड़ना। अद्वैत यानी परमात्मा से योग होने पर व्यक्ति संभाव में आ जाता है, लेकिन अर्जुन इस विराट दृष्टिकोण को समझ नहीं रहा और भगवान कृष्ण से कहता है कि यह संभाव संभव नहीं, क्योंकि मन चंचल, जिद्दी और बलवान है, स्थिति से विचलित कर देता है। तब भगवान कहते हैं कि ऐसा वैराग्य और अभ्यास की कमी के कारण होता है। वैराग्य यानी ईश्वर या सद्गुरु के प्रति का राग, और अभ्यास यानी तुम्हारा मन स्थूल बुद्धि के अंतर्गत हृदय के निर्देशन में जीवन जीते हुए सूक्ष्म बुद्धि यानी प्रज्ञा तक आता जाए। ऐसा करके जब मन बुद्धि के वश में आ जाता है तो किसी सटीक साधना पद्धति के माध्यम से परमात्मा से योग सहज होता है। लेकिन जब व्यक्ति मोह और असंयम में वापिस चला जाता है, लेकिन श्रद्धा होती है और वैराग्य और अभ्यास भी पहले कभी यथार्थ किया है, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान की ओर से संभालने की व्यवस्था भगवान ने 7 सिद्धांतों में बताई। ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई साधना का कभी नाश नहीं होता, वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और फिर किसी ज्ञानी के घर में जन्म लेता है, अर्थात एक सद्गुरु का प्रवेश उसके जीवन में होता है। वह पूर्व में संग्रह किए अपने पुरुषार्थ के संयोगों को प्राप्त करता है और अब परमात्मा प्राप्ति के लिए पहले से भी अधिक पुरुषार्थ करता है। ऐसे व्यक्ति को यदि संसार वापस आकर्षित करता है तो भगवान की ओर से उसे वापस साधना के मार्ग की ओर आकर्षित किया जाता है, और जब वह वापस इस मार्ग पर आता है तो अपने कर्मों के भुगतने के क्रम को घटाता है। और यदि एक व्यक्ति की श्रद्धा, समर्पण, वैराग्य और अभ्यास बहुत प्रगाढ़ है, लेकिन आयुष्य खत्म हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति इसी एक जन्म में ही सब कर्मों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अब मैं बेन प्रभु से श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को आरंभ करने की विनती करती हूँ, ताकि हम इस यात्रा में और अधिक गहरे उतर सकें। थैंक यू प्रभु। बार बार होते इन सत्संगों के माध्यम से तुम्हें मात्र सत्संग स्थलों तक दौड़ाने की कोई योजना नहीं है। कभी इस हॉल में होता है सत्संग, तो कभी दूसरे हॉल में, तो कभी प्रीतमपुरा में। बार बार होते इन सत्संग आयोजन से SRM का और मेरा उद्देश्य ये नहीं कि तुम सत्संग हॉलों तक पहुँचो, लेकिन बार बार दौड़ा दौड़ा कर हमारा प्रयोजन वही है जो भक्त कबीर ने कहा कि तुम दौड़ दौड़ कर गगन गुफा तक पहुंच जाओ, रस गगन गुफा में अजर जरे। अद्भुत है ये भक्ति, कितनी समझ में आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस भक्ति के अंदर अध्यात्म का जो निचोड़ है वो पूरा ठूस ठूस के भरा है। गगन गुफा तक पहुंचना है, इतने भाग को गगन गुफा कहा जाता है। यहाँ आज्ञा चक्र आईब्रोज से ऊपर होकर
पीछे मेरु मज्जा तक के भाग को गुफा कहा जाता है, गगन गुफा। गगन में कोई गुफा देखी है क्या? उस गुफा की बात नहीं हो रही, लेकिन मनुष्य देह का जो सर्वोत्कृष्ट भाग है गगन है, पैर पृथ्वी है और सिर गगन है, तो उस गगन गुफा के अंदर रस बहता है, अजर रस, अमर रस, वहाँ तक पहुँचाने का उद्देश्य है। यात्रा कठिन नहीं है, लेकिन सुलभ भी नहीं है। कोई सेंगू साथ हो, सेंगू आनंद घन का शब्द है, आजकल तुम गा रही होती हो, आनंद घन का शब्द है कि जब तक कोई सेंगू, सेंगू यानी सदगुरु साथ ना हो, तब तक इस यात्रा में, अज्ञात की इस यात्रा में इतने डाइवर्जन्स हैं, इतने क्रॉस रोड्स हैं, इतने इतने यूटर्न्स हैं कि जब तक कोई सेंगू साथ ना हो, तब तक भटकने की पूरी पूरी संभावना है। संभावना नहीं, श्रीमद ने तो कहा बिना सेंगू के, बिना सदगुरु के चले तो भटकना अनिवार्य है, और सदगुरु के संग हो लिए, इसलिए कबीर ने कहा सुनो भाई साधो, जो साधु पुरुष है उसके साथ साधना, और जब तुम साधोगे तब यहाँ रस गगन गुफा में अजर जरे, उस गगन गुफा तक पहुँचाना है, और उसी के लिए ये सभी के सभी सत्संगों का आयोजन है। पहले कुछ बातें स्पष्ट कर दूं, जो YouTube पर देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष में भी आ रहे हैं, पिछले दो सत्संगों से धारा कुछ ऐसी चल रही है कि शिव योग भी बीच में आ गया, साथ साथ भगवद गीता भी चल रही है, तो किसी किसी को यह उलझन हो सकती है कि हम लोग योग सूत्रों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं या भगवद गीता के अंदर। किसी ने तो बाई चांस यूट्यूब पर ऐसा कुछ कमेंट भी डाला है कि ये भगवद गीता है, हिंदुओं का शास्त्र है, कोई यौगिक शास्त्र नहीं। लेकिन उनसे भी हाथ जोड़कर यह स्पष्टीकरण कर दूं कि पूरे भगवद गीता में कहीं भगवान ने नहीं कहा कि ये हिंदू शास्त्र है और मैं हिंदू परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूँ, कहीं नहीं कहा। बार बार भगवद गीता के हर अध्याय में, बार बार और हर अध्याय के टाइटल में हर बार योग शब्द आता है, तो ये योग शास्त्र नहीं हुआ क्या? तुम्हें क्यों आपत्ति होती है कि ये योगिक बातें क्यों कर रहे हो? किसी ने कहा है, आपत्ति नहीं उठाई, बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना की है कि बेन प्रभु भगवद गीता के अंदर यौगिक सिद्धांत कहाँ से आ गए? स्वाभाविक है, दो बार से चल रहा था और आज तीसरी बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसलिए जब वो देखें तो पूरे रस पूर्वक, भाव पूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ हमारी कोई दौड़ भगवद गीता को पूरी करने की नहीं लगी। हम जैसे जैसे भगवद गीता समझा रहे हैं, जितना जितना आप समझ पा रहे हैं, जितनी जितनी आपकी आंतरिक तैयारी होती जा रही है, उतना उतना हम साधना के समग्र पहलू को भी आपके साथ उघाड़ रहे हैं। और इसलिए शायद भगवद गीता थोड़ी धीरे चले, लेकिन साधना का एक एक पहलू आप लोगों के जीवन में और प्रगाढ़ रूप से प्रसरे, उसके लिए हमारी ये तैयारियां होती हैं। पिछले ही सत्संग में भगवान ने कहा, पिछले अध्याय के अंत अंत के जो सिद्धांत अभी मोनिका प्रभु बता रहे थे, उसमें भगवान ने यही तो कहा कि तुम इस जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा करते हो सांसारिक स्तर पर, संपत्ति, धन, संबंध, जो भी यश कीर्ति, वो कुछ भी अगले जीवन में साथ नहीं जाता, लेकिन साधना के अंदर हृदय से जो दो पल का एहसास किया वो जरूर तुम्हारे साथ जाता है। ये सिद्धांत रूप में पिछले सत्संग में ही घोषणा हुई। अब तुम जरा सोचो कि ये नियम किसने बनाए, ये नियम किसने बनाए, नियंता कौन है, हु इज द लॉ मेकर? ये सारे नियम भी उस ईश्वर ने ही बनाए हैं, और उस ईश्वर ने नियम भी कितना खूबसूरत बनाया है। मैं तो उसी सत्संग के बाद इन लोगों से कह रही थी कि क्या खूबसूरत नियम बनाया है ईश्वर। हमें अपने पास बुलाना चाहता है, तो कहा संसार में जो इकट्ठा करते हो
वो नियम से मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, लेकिन मुझ तक आने के लिए जो तिनके तिनके भी इकट्ठे करते हो वो एक एक तिनका संभाल कर तुम्हें अपने पास आने दूंगा। इस नियंता ने सारे नियम भी इसीलिए बनाए हैं, द लॉ मेकर हैज मेड ऑल द लॉज, ऑल द प्रिंसिपल्स, जस्ट टू एश्योर दैट यू स्टार्ट द रिटर्न जर्नी, तुम वापस अपनी तरफ लौट कर आ सको। क्यों यहाँ इतना पुरुषार्थ करते हो? थोड़ा धन तो ले जाते, थोड़ा लीना। प्रभु आपको इतना प्रेम है हमसे तो ठीक है, आप कहेंगे धन नहीं ले जाना, बिन प्रभु आपको तो साथ ले जाएं। ले जा, वो तो ऐसी उनकी आंखें कह रही है ले जा सकती तो ले जाती, लेकिन नहीं ले जा सकते। नियंता ने जो नियम बनाए वो कहते लीना प्रभु आप बेन प्रभु को नहीं ले जा सकते, लेकिन बेन प्रभु के समागम में हुए अनुभवों को जरूर ले जा सकते हैं। ये पूरी कायनात लगी है तुम्हें वापस अपने स्वरूप की तरफ धकेलने, अपने मैं कौन हूँ को पहचानने, ईश्वर की अनुभूति करने, ईश्वर के साथ खो जाने के लिए। और इसलिए तुम देखो तो सारे कायदे, सारे कानून, सारे प्रिंसिपल, सारे लॉ इस तरह से इस नियंता ने आयोजित किए हैं कि तुम इस संसार का कुछ न ले जा पाओगे, लेकिन आध्यात्मिक संसार का एक बूंद भी जो तुमने इकट्ठा किया होगा, एक रस भी जो तुमने पिया होगा, उस रस को मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भेजूंगा। अद्भुत है। ये नियम ही नहीं बता देते क्या कि ईश्वर चाहता है कि हम उसकी तरफ वापस लौटे? ये नियम ही नहीं बता देते? अवश्य इन नियमों में ही ईश्वर की हमारे पर की कृपा, ईश्वर का हमारे पर का अनुराग, ईश्वर का हमारे प्रति का प्रेम दिखने में आता है। उन्हीं नियमों को आगे अब भक्ति सूत्र के माध्यम से गूंथेंगे, लेकिन आज एक विशेष दिवस है। साधना के लिए 365 दिवस विशेष होते हैं, लेकिन कुछ साधनाओं में स्वयं को इनिशिएट करने के लिए, अपने आप को शुरुआती स्तर पर, पहली सीढ़ी पर कदम रखना, एस्केलेटर में हम जाते हैं तो पहली सीढ़ी पर कदम रखना थोड़ा कठिन होता है, उसके बाद तो सीढ़ी का कार्य अपने आप आगे लेता जाता है। इसी प्रकार कुछ यौगिक साधनाएं ऐसी है, पहली सीढ़ी पर कदम रखना ही मुश्किल है, और उसके लिए एक ऐसा ऑस्पिशियस, एक ऐसा मंगलमय दिवस आ रहा है, कल का ही दिवस आ रहा है जब से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। तो पहले हम चाहेंगे उस साधना की कुछ मूलभूत समझ के अंदर प्रवेश करें। इसलिए बिल्कुल आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो, कोई असमंजस ना हो कि ये भगवद गीता के बदले आज क्या आ गया। मेरा उद्देश्य तुम्हें भगवद गीता समझाना ही नहीं है, मेरा उद्देश्य तो तुम्हें गगन गुफा तक ले जाना है। और उस गगन गुफा में प्रकृति इतना बड़ा कार्य कर रही है, जब कल के दिन प्रकृति जब दिन और रात कल तो काम करेगी, शिवरात्रि में तो खाली रात को काम किया था, लेकिन कल का दिन तो ऐसा आ रहा है कि दिन रात प्रकृति तुम्हारे अनुकूल होने जा रही है, तुम कल के दिन कभी भी इस साधना के प्रथम सोपान पर चढ़ सकते हो, अपनी साधना को एक अलग वेग, एक अलग गति, एक अलग धक्का दे सकते हो। लेकिन कुछ मूलभूत बातों के अंदर प्रवेश करते हैं। जिन भी महापुरुषों ने योग की परम अवस्था का अनुभव किया, उनकी अकारण करुणा में से ये शास्त्र बहते हैं। इन शास्त्रों से वापस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग ही पता चलता है। इन शास्त्रों को समझकर कोई अपने समझ की अकाउंट का, नॉलेज अकाउंट का को भरना नहीं है, उसको और क्रेडिट नहीं करना, लेकिन इन शास्त्रों को समझकर जो मेरे और परमात्मा के बीच में फासला बनकर खड़ा है, उन सब दीवारों को तोड़ना है। समझकर इकट्ठा करने वाली जो बुद्धि है वो अभी भी नासमझी की और अज्ञान की बुद्धि है, लेकिन समझकर जो इकट्ठा किया है उसको गिराने का साहस आए, ये समझो साधक का साहस है। ईश्वर ने इन योग शास्त्रों के माध्यम से ही हमें कहा कि मनुष्य को मैंने अपनी ही छवि में बनाया है। मानते हो? मैन इज मेन मेड इन
गॉड्स इमेज हिज इमेज. मनुष्य का जो निर्माण हुआ वह मेरी ही टोटल जैसा मैं हूँ बिल्कुल मेरी ही छवि में उसका निर्माण कर दिया. तो प्रश्न मेरा आप सबसे ये उठता है कि ये गॉड ये ईश्वर ये परमात्मा स्त्री है या पुरुष? शक्ति है स्त्री है पुरुष है. ऑप्शन दो ही दिए कि स्त्री है या पुरुष है. पुरुष परंपरा कहेगी ये परमात्मा पुरुष है, स्त्री परंपरा कहेगी ये परमात्मा स्त्री है. लेकिन जैसा कि हमने पिछले दो सत्संगों से समझ रहे हैं परमात्मा दोनों का कॉम्बिनेशन है. एंड व्हेन ही सेज दैट ही हैज मेड यू इन हिज इमेज यानी तुम भी क्या हुए, तुम भी दोनों का कॉम्बिनेशन हो, संयोग हो, सुमेल हो, यूनियन हो. लेकिन कहीं ना कहीं इस तरफ के पक्ष को ऐसा लगता है कि हम पुरुष हैं इसलिए कहेंगे परमात्मा भी पुरुष है क्योंकि परमात्मा ने कहा मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया. तो इस तरफ का पक्ष कहेगा कि नहीं हम स्त्री हैं इसका मतलब परमात्मा भी स्त्री होंगे क्योंकि परमात्मा ने कहा मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया. लेकिन ये परमात्मा जिस शक्ति और शिव की हम बात कर रहे हैं, जिस राधा और कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, ये केवल स्त्री या पुरुष की बात नहीं है, ये दोनों का संगम है. तो असेंशियली अनिवार्य रूप से तुम में भी स्त्री और पुरुष दोनों ही छिपे हुए हैं, हाँ कि नहीं? ठीक है, तुम्हारे शरीर निर्माण का कार्य प्रकृति ने स्त्री को दिया. तुम उसके पेट में आते हो तो तुम्हारे शरीर के निर्माण की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, वो प्रकृति को लगा ये पक्ष ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये पक्ष ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. तो सारी निर्माण की प्रक्रिया उसने स्त्री को सौंपी. लेकिन अनिवार्य रूप से योगदान तो पुरुष का भी उतना ही है कि नहीं? निर्माण का कार्य तुमने किया लेकिन योगदान किसके योग से, किसके वीर्य से, किसके रज से, दोनों से मिलकर हमारा सबका निर्माण होता है. तो उसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं. हम जब भी स्त्री या पुरुष की बात करते हैं तो हम लोग अधिकांश रूप से उसके लिंग की बात करते हैं, जेंडर. वी आर जस्ट टॉकिंग टू मच अबाउट जेंडर, इजंट इट? ये स्त्री है मतलब लिंग की बात कर दी, ये पुरुष है उसके लिंग की बात कर रहे हैं. लेकिन यौगिक जगत के अंदर यही माना जाता है कि जब हमारा ईश्वर भी अर्ध नारीश्वर रूप में है तो तुम कैसे बच सकते हो? जब तुम उसकी इमेज में बने हो, उसी की छवि में बने हो, तो तुम भी स्त्री और पुरुष दोनों का संगम हो. ठीक है, तुम्हें दोनों लिंग नहीं दिए जा सकते, तो नपुंसक बढ़ जाएंगे यहाँ. तुम्हें दोनों लिंग नहीं दे सकते, तुम्हें एक ही लिंग देना होगा. लिंग अपेक्षा से तुम पुरुष हो लेकिन साथ में तुम में भी स्त्रैण चित है. लिंग अपेक्षा से तुम स्त्री हो लेकिन तुम में भी पौरुष का चित है. ये स्त्री और पुरुष की का समन्वय, ये स्त्री और पुरुष का संतुलन, ये स्त्री और पुरुष के बीच जो इक्विलिब्रियम होता है उसको ग्रहण करना साधना की अनिवार्यता है. चाहे तुम उस पद्धति से चलो ना चलो लेकिन कहीं ना कहीं तुम पहुंचोगे उस जगह जहां स्त्री के अंदर स्त्रैण और पुरुष दोनों गुण संतुलन में आ गए, दे आर इक्वली बैलेंस्ड, और जहां पुरुष इस साधना मार्ग पर चलते हुए अपने पौरुष और स्त्रैण दोनों गुणों के संतुलन में आ गया. कल का दिन यानी इक्विनॉक्स यानी संपात का दिन, वर्ष में दो बार ही यह घटना घटती है. प्रकृति स्वयं ऐसा विराट आयोजन करती है कि हर किसी के भीतर रहा स्त्रैण और पौरुष ये दोनों गुण कल प्राकृतिक रूप से संतुलन में होते हैं. उस संतुलन को हम कैसे बनाए रख सकते हैं? क्योंकि तुम्हें प्रश्न होगा कि जब प्रकृति स्वयं ही संतुलन कर रही है तो हम साधना क्यों करें? प्रकृति कल के दिन में उस आयोजन को करने वाली है, दिन रात सुबह से लेकर रात तक पूरे 24 घंटे तक प्रकृति यह आयोजन करने वाली है कि कल तुम्हारे बीच भी जो स्त्री रही है तुम्हारे भीतर और तुम्हारे भीतर जो पुरुष रहा है, ऑल्दो तुम्हारे स्त्रैण गुण भी अब तो कमजोर पड़ गए हैं और तुम्हारे पौरुष गुण कमजोर पड़ गए हैं,
यहाँ कोई पूरा पुरुष नहीं बैठा, यहाँ कोई पूरी स्त्री नहीं बैठी। स्त्री में स्त्रैण गुण खो चुके हैं, पुरुष में पौरुष के गुण खो चुके हैं, लेकिन कल प्रकृति का एक ऐसा विराट आयोजन होने जा रहा है। हर साल होता है, तुम तो अब काबिल बने हो कि अब मैं तुम्हें समझाऊं ये, लेकिन ये आयोजन हर साल होता है। कल ऐसा आयोजन होने जा रहा है जब तुम्हारे स्त्रैण कमजोर गुण स्वयं विकसित होंगे और पौरुष के जो गुण हैं वो स्वयं संतुलित होंगे। तुम्हारे भीतर जो पौरुष के कमजोर गुण हैं वो विकसित होंगे और स्त्रैण गुण जो तुम में होने चाहिए वो संतुलित होंगे। कल ऐसे महाविराट दिवस का हम सभी हृदय से स्वागत करते हैं। इक्विनॉक्स, ज्योग्राफी की भाषा में कहें, भूगोल की भाषा में कहें, तो इतना ही कह पाएंगे कि कुछ इस तरह से अभी सूर्य और पृथ्वी और इन सब की अलाइनमेंट ऐसी होती है कि कल का दिन और कल की रात की जो मात्रा है वो लगभग लगभग बराबर है। पूरे 12-12 घंटे तो फिर भी नहीं होती, लेकिन कोई 11.5 घंटे तो कोई 12.5, ऑलमोस्ट बराबर है कल के दिन और रात की। जो इसका मतलब ये होता है, अर्थ अध्यात्म में इसका अर्थ क्या, क्योंकि यह तो विज्ञान ने कहा, यह तो ज्योग्राफी ने कहा कि कल का दिन और रात दोनों समान समान काल मर्यादा के होंगे। अध्यात्म में इसका अर्थ ये होता है कि कल सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ये दोनों बराबर कार्य करेंगी। कल के पूरे दिन सुबह जब भी सूर्योदय होता है तो अगले दिन सूर्योदय तक तुम्हारी चंद्र नाड़ी, तुम्हारे भीतर रही लूनर एनर्जीज और तुम्हारी सूर्य नाड़ी यानी तुम्हारे अंदर रही सोलर एनर्जीज दोनों एक इक्विलिब्रियम में कार्य करेंगे। यदि कल के दिन इस साधना पद्धति के अंदर प्रवेश कर लिया तो आगे अपने अंदर इस संतुलन को बनाने का कार्य तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तुम्हारी समझ के लिए तुम इस बात को अधिक गहराई से समझ सको, अधिक विस्तार से समझ सको, तुम इन शब्दों का अपने साथ मेलजोल मिला सको, उसके लिए मैंने एक चार्ट का निर्माण किया है। तुम्हें उस चार्ट के माध्यम से कुछ बातें समझाना चाहेंगे। तुम्हें इस बात को समझाने के लिए कि तुम स्त्री और पुरुष का संगम हो, तुम आए तो संगम से ही हो ना, तुम पैदा तो स्त्री और पुरुष दोनों के बीच से हुए हो, तो तुम खाली स्त्री कैसे हो सकते हो? तुम सभी पैदा जब स्त्री और पुरुष दोनों के बीच से हुए हो तो तुम खाली पुरुष कैसे हो सकते हो? लेकिन मनुष्य ने यह बेवकूफ़ी अपने अंदर ले ली कि या तो इधर जो लिंग है मेरा मैं पूरी वो हूँ, जो लिंग है मेरा वह पूरा मैं हूँ। लेकिन आज जरा इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि क्या हमारे भीतर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन स्त्रैण और पौरुष गुण सहज गुण हम में है, कितने अविकसित हैं, कितने कमजोर हैं, कितने असंतुलित हैं। तुम स्वयं में अभी या पूरी का पूरा अपना डेटा निकाल लोगे। अनुप्रभु जैसों को ये शब्द पता होंगे, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, अब बात शुरू हो रही है। साथ साथ में व्हाइट बोर्ड लगा दो, दीदी को नीचे उतार दो। प्रकृति तो कल इस संतुलन का महाआकाश तैयार करेगी, लेकिन जो कार्य प्रकृति कर रही है, मुझे देख लो, अभी तो मैं उठी नहीं। महत्वपूर्ण है इस बात को समझना, क्योंकि कल के दिन प्रकृति स्वयं इस कार्य को करेगी, लेकिन प्रकृति जो कार्य करती है उसके प्रति जब तुम भी सजग हो जाते हो, जब तुम अवेयर हो जाते हो, तो प्रकृति ने जो कार्य किया वह तुम्हारा गुण बन जाता है। सिद्धांत है ये, मैं दोबारा दोहराती हूँ। प्रकृति जो कार्य, ध्यान से मुझे देखो, क्योंकि अभी वहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ शून्य आकाश है और वहाँ एक राक्षस जैसा कोई बैठा है, देखने लायक अभी मैं हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत तुमसे कह रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कह रही हूँ। प्रकृति ऐसे आयोजन वर्ष के 365 दिन करता है, और उसमें भी महत्वपूर्ण आयोजन कई बार इस वर्ष के अंदर, कई बार तुम देखोगे मेरे साथ ही तुम जुड़ोगे इन आयोजन में।
लेकिन प्रकृति जो कार्य कर रही है, कल प्रकृति स्वयं ये कार्य करेगी कि तुम्हारे फेमिनिन और मैस्कुलिन, तुम्हारे स्त्रैण और पौरुष गुणों में संतुलन आए। लेकिन जब प्रकृति के कार्य के प्रति आप सजग हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, तब प्रकृति जो कार्य कर रही है वह आपका गुण बन जाती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है समझना। अभी तक तुमने ताली नहीं बजाई तो तुम समझे नहीं, तो मैं तीसरी बार कहती हूँ, प्रकृति अपना कार्य करती है लेकिन उससे तुम्हें कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, कल तुम्हारी इड़ा और पिंगला दोनों खुली होंगी, जो हमेशा कोई या तो ये बंद होती है या ये बंद होती है। कल ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि यदि तुम स्वस्थ हो तो दोनों खुली तुम्हें मिल जाएंगी और सुषुम्ना का भी थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लाभ न होगा। हमें तो आदत है लाभ खींचने की। तो प्रकृति जो आयोजन कर रही है, कल कौन सा आयोजन हो रहा है? तुम्हारे स्त्रैण और पौरुष गुणों के संतुलन का कार्य। क्योंकि कल सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा और चंद्र की ऊर्जा दोनों इक्विनॉक्स में है, संपात एकदम एक जैसी ऊर्जा को बांटेंगे कल। लेकिन उस दिन यदि तुम उसके कार्य के प्रति, प्रकृति के कार्य के प्रति सजग हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो, क्या कार्य हो रहा है उसका तुम्हें बोध होता है, तुम्हें ज्ञान होता है, तुम्हें समझ होती है, तब प्रकृति जो कार्य कर रही है वह तुम्हारा अपना सहज गुण बन जाता है। इसके लिए साथ में, क्योंकि जब तक तुम साधना के मूलभूत कारण को नहीं समझोगे तब तक तुम्हें लगेगा ये सब जंत्रम मंत्रम क्या चल रहा है यहाँ। कोई नया आया होगा आज, उसको भी यही लगेगा कि ये क्या चल रहे हैं यहाँ। लेकिन प्रकृति के महा आयोजन का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे शिवरात्रि की रात का उपयोग किया तो संपात के दिन यानी दिवस और रात्रि दोनों का उपयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले समझो कि तुम्हारे भीतर स्त्रैण और पुरुष गुण कौन कौन से हैं। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स, सहज, स्त्रैण व पुरुष गुण। पौरुष गुण तुम्हें दिखाई दे रहा है इस तरफ जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं? गुड। हर एक के अंदर अनिवार्य रूप से दोनों गुण हैं, लेकिन कोई डोमिनेटिंग है तो कोई तुम्हारा सटल है, सप्रेस्ड है। हर गुण सभी के अंदर है। पुरुष में पौरुष गुण होगा, स्त्री में स्त्रीण गुण होगा। यदि ऐसा होता तो यू वुड हैव अटेंड परफेक्शन, तुम एनलाइटन हो गए होते। खाली तुम में स्त्रैण गुण होते तो तुम्हें आत्मज्ञान होता, खाली तुम में पौरुष गुण होते तो तुम्हें भी आत्मज्ञान हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पौरुष में भी स्त्रैण गुण होते हैं और स्त्रैण में भी पौरुष गुण होते हैं। इन दोनों का संतुलन जो बनाना है वो हमारी साधना होती है। तो स्त्रैण गुण कौन से है यहाँ पर? लेडीज फर्स्ट, इसलिए पहले स्त्रैण गुण। स्त्रैण गुण कौन से हैं? कंपैशन, दया स्त्री में होती है। अगर पुरुष में भी है, पुरुष में भी, कोई पुरुष भी ऐसा हो सकता है जिसमें दया का बहुत ज़बरदस्त भाव है, मतलब उसने स्त्रैण गुण को, अपने स्त्रैण गुण को भी संतुलित कर दिया है। इसका मतलब इतना ही होता है। दूसरा, अवलोकन, अपने भीतर देखने का की जो क्षमता है वो स्त्रैण गुण है। यहाँ तो पुरुषों में भी एक क्षमता आ गई। अब स्वराज क्रिया करते करते, नित्यक्रम करते करते तुम में भी एक क्षमता आ गई। इसका मतलब क्या है कि पुरुष ने भी अपना ये स्त्रैण गुण है उसको संतुलित कर दिया, उघाड़ लिया। और स्त्री में तो ये स्वाभाविक गुण होता है, बस उसको उघाड़ना बाकी है। आप लोगों को संतुलित करना है, इनको उघाड़ना है, और जब उल्टा होगा तो आपको उघाड़ना है, इनको संतुलित करना है। यहाँ पर तीसरा जो है फ्लो, स्त्रैण गुण होता है कि वो फ्लो करती है, फ्लो घुल मिल जाती है सभी के साथ। पुरुष खड़ा रहेगा लेकिन स्त्री को तुरंत तुरंत चैटर 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 सबके साथ घुलती मिलती तुम देखोगे। आजकल तो पुरुष भी हो गए ऐसे ही, इसलिए स्त्रैण पुरुष का ज़्यादा भेद रहा नहीं है अब। लेकिन फिर भी असेंशियली यौगिक कल्चर जो कहता है कौन से स्त्रैण गुण है और कौन से पौरुष गुण है। घुलना मिलना स्त्री का स्वभाव है। पुरुष यदि ज़्यादा घुल मिल रहा है मतलब उसकी स्त्रैण शक्ति उसको डोमिनेट कर रही है, उस पर हावी हो रही है। अगला, इंट्यूशन, प्रज्ञा। स्त्री से जब भी पूछो तो बस क्यों किया, कर लिया, कोई उसके पास जवाब नहीं होता। तुम ये क्यों खरीद के ले, बस मेरे को मुझे अच्छा लग गया, इंट्यूशन होता है उन्हें। ये इंट्यूशन वो आत्मज्ञान वाला नहीं है कि बस अच्छा लगा। दे डोंट हैव अ रीजन आफ्टर एवरीथिंग,
स्त्री का स्वभाव ऐसा होता है, कुछ भी करेगी उसके पीछे उसके पास कोई पक्का रीजन नहीं होगा, ये स्त्रैण स्वभाव है। और उसी के सामने तुम देखोगे तो यहाँ पर पुरुष का कैसा है, मेथोडिक थॉट, ही ऑलवेज हैव रीजन, क्यों किया उसका कुछ रीजन है। तुम पुरुष से पूछोगे तुमने क्यों किया तो उसका रीजन होगा सस्ता था, सेल में था, अच्छा था, मुझ पर अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने खरीदा। तुम स्त्री से पूछोगे ना तो जरूरी नहीं है तुम्हें ये सब जवाब मिले, बस अच्छा लगा ले लिया। स्त्रैण गुण ही ये है कि जिसके पास, जिसको ज्यादा मेथोडिक थॉट, यानी यहाँ जो लिखा है क्रमिक विचारशीलता से निर्णय पर नहीं पहुंचती, भावुकता से निर्णय पर पहुंचती है। पुरुष की क्या का क्या गुण है, एक क्रम से विचार करता हुआ निर्णय पर पहुंचेगा, लेकिन स्त्रैण गुण कैसा है, भावुकता से निर्णय करती है। लेकिन आजकल अब जो स्त्रियां वापस काम के लिए बाहर आ रही हैं, जो समझ रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, काफी ऊंची ऊंची पोस्ट पे काम कर रही है, तुम देखोगे सब कुछ उल्टा हो रहा है। तुम्हारा जेंडर स्त्री का है लेकिन गुण तुम्हारे में पुरुष के आ रहे हैं, सारा असंतुलन बना रही है ये पूरी संस्कृति और समाज। आगे देखो पेशेंस, धैर्य, ये स्त्री का गुण है जो आजकल ना स्त्री में देखने को मिलता है ना पुरुष में, कहीं नहीं। धैर्य, ये दिस इज असेंशियली अ स्त्रैण गुण, पुरुष को भी उतनी आवश्यकता है, पुरुष अधीर होगा लेकिन तुम्हें भी अपने स्त्रैण गुण को जो विकसित करना है तो धैर्य की आवश्यकता है। छठा, रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता। स्त्री हमेशा लेने के एंड पर होती है, वो ग्रहण कर पाती है, और इसीलिए स्त्री को सर्जन का कार्य दिया, सर्जन नहीं निर्माण का कार्य दिया कि बालक के निर्माण का कार्य तुम करो, क्योंकि ग्रहण करने की जो क्षमता है वो स्त्री में है। और उसके बाद अंतिम दिया क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। स्त्रैण दिमाग जो होता है, स्त्रैण क्वालिटी जो होती है वो रचनात्मक होती है, क्रिएटिव होती है। यहाँ पर भी जो पेंटर्स वगैरह कोई होते हैं जैसे MF हुसैन वगैरह, हमने उनको देखा है कि वैसे वो जेंडर उनका क्या है, पुरुष है, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी कैसी है, स्त्रैण, यानी उन्होंने अपने स्त्री पार्ट के स्त्रैण गुण को उतना विकसित कर लिया। इधर देखोगे तो मैस्कुलिन, मैस्कुलिन यानी पौरुष, पौरुष तुम्हारे सहज गुण कौन कौन से है, पहला साहस, आजकल तो स्त्रियाँ भी साहसी होती है लेकिन ये असेंशियली जो पौरुष साहस का कार्य है वो पौरुष का गुण है। स्त्रियां भी यदि साहसी है तो बहुत अच्छा है क्योंकि अपने पौरुष गुण को उन्होंने भी विकसित किया है, लेकिन असेंशियली ये पुरुष का स्वभाव है। लेकिन स्त्री को भी ये संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए उसको भी उजागर करना है। दूसरा, एसर्टिव, निश्चयात्मक। पौरुष गुण जो होता है निश्चय, एक बार हो गया हो गया, स्त्री की तरह नहीं कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, स्त्री की बुद्धि कैसी रहेगी, अनिश्चयात्मक, और पुरुष की बुद्धि कैसी रहेगी, निश्चयात्मक। यानी पुरुष कैसा है, डिक्लरेटिव, निश्चयात्मक, कह दिया सो कह दिया बस, अथॉरिटेटिव। इस प्रकार का ये पौरुष का सहज गुण है, ठीक है तुम में है, ये अच्छा है कि बुरा है, मैं कुछ नहीं कह रही, मैंने अभी तक नहीं बोला ये राइट है कि रॉन्ग है, ये अच्छा है या बुरा है। तुम मोक्ष मार्ग पे चल रहे हो और निश्चय तुमने कर लिया तो ये अच्छा गुण है। तुम दारू के बार में जा रहे हो और निश्चयात्मक हो तो ये बुरा गुण है। इसलिए यहाँ कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, केवल हम गुणों की बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। इसलिए डोंट लेबल के ये दिस इज गुड दिस इज बैड, स्त्री का ये गुण अच्छा है ये गुण खराब है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें इन सब गुणों को किसी ना किसी फॉर्म में अपने भीतर संतुलित करना है। पुरुष पूरा पुरुष नहीं है, उसमें स्त्री का भाग है। स्त्री पूरी स्त्री नहीं है, उसमें भी पुरुष का भाग है, लेकिन आजकल मानसिकता ऐसी हो गई है कि पुरुष अपने स्त्रैण पहलू को उघाड़ने से डरता है और स्त्री अपने पौरुष पहलू को उघाड़ने से डरती है। लेकिन तुम तब तक कंप्लीट इंसान बन ही नहीं सकते जब तक दोनों गुण तुम में उघड़ ना जाए। योग साधना, योग का जो मार्ग है तुम्हें ऐसी साधनाएं बताता है जिसमें तुम्हारा स्त्रैण और पुरुष दोनों गुण संतुलित रूप में उभर कर बाहर आए। यहाँ पौरुष कैसा है, साहस से भरा हुआ है, निश्चयात्मक है, निर्णय कर लिया तो कर लिया, उसके ऊपर जरूर आगे बढ़ेगा। और स्त्री कैसी है, बड़ी अनिश्चयात्मक, कभी ये बोलेगी कभी ये बोलेगी। तीसरा, स्टेडी डायरेक्शन। पुरुष का क्या होता है, दिशा में चल पड़ा तो स्टेडी है। स्त्री का क्या है, बार बार, क्योंकि अनिश्चयात्मक है, बार बार अटकेगी, कभी चलेगी कभी अटकेगी, कभी ठहरेगी कभी दायां बायां देखेगी। लेकिन पुरुष का क्या है, एक बार डायरेक्शन पकड़ ली तो सीधा सीधा चलेगा। और ये मैंने यहाँ पर भी बहुत देखा है,
जो पुरुष वर्ग आता है इतना स्टेडी है ना, वो जब से आ रहा है तब से आ ही रहा है। अभी स्त्री की खोपड़ी में तो फिर भी उठता है, कह रहे शायद कोई और अच्छा मार्ग हो, शायद ये ना हो। लेकिन पुरुषों ने जिन्होंने समर्पण किया, वो जो आए हैं जैसे आए हैं वैसे के वैसे बने चले आ रहे हैं तुम्हारे लिए। और तुमने भी, तुम्हारा भी निर्णय यदि इतना ही दृढ़ है, तुम कहोगे हम क्यों रह जाए, पर हाँ यदि तुम्हारा निर्णय भी इतना दृढ़ है कि एक बार पक्का कर लिया मतलब अब यही रास्ता मेरे लिए है, तो ये तुम्हारी भी पौरुष वृत्ति जो है, पौरुष गुण है, तुम में भी संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ इज मेथोडिक थॉट, क्रमिक विचारशीलता। ये आवश्यक रूप से पौरुष गुण है, लेकिन स्त्री को भी इसे संतुलित करना है। दोनों गुणों का कॉम्बिनेशन चाहिए। फाइनली तुम देखोगे चार्ट में 7+7 14 के 14 के ऊपर तुम्हें अपनी मालकियत करनी है। फिफ्थ है एक्शन। पुरुष हमेशा कर्मठ होता है, कर्म प्रधान होता है, और स्त्री कैसी होती है, विचार प्रधान। आजकल उल्टा भी हो रहा है, स्त्री कर्मठ हो रही है, कर्म प्रधान हो रही है, लेकिन इन दैट केस उसका जेंडर स्त्री का है, उसका पौरुष गुण विकसित है, तब उसे क्या करना है, अपने स्त्रैण गुण को भी विकसित करना है। कर्मठ के सामने कौन सा है, धैर्य, उसको धैर्य को विकसित करना है। इस चार्ट को ऐसे देखना, धीरे धीरे मैं समझाऊंगी हाउ टू सी दिस चार्ट। उसके बाद छठा है गिविंग। पुरुष का स्वभाव कैसा है, उदार, उदार स्वभाव है, दे सकता है तुरंत। और स्त्री का स्वभाव कैसा है, रिसेप्टिविटी, लेती है संग्रह का। स्त्री का स्वभाव संग्रह का है, और पुरुष का स्वभाव कैसा है, दे दो, उदार। क्यों दिया ये मत पूछना स्त्री से। अगर स्त्री कोई उदार है, जैसे मैं नया प्रभु बड़े उदार है, किसी को कुछ भी दे सकते हैं, डोंट आस्क हर कि क्यों दिया, अभी तो नया था तुमने क्यों दे दिया इस चीज को, नहीं उसका आंसर नहीं है, तब वो पक्की स्त्रैण है, लेकिन देने में वो पक्की पौरुष है। तो स्त्री और पुरुष का कॉम्बिनेशन तुम में है, सब में समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन इसको संतुलित करना है, बस कार्य हमें इतना करना है। और अंत में जागृति, अवेयरनेस, अवेयरनेस है वो पुरुष का गुण है, पौरुष गुण है। पुरुष का से मेरा लिंग का कोई मतलब नहीं है, पौरुष गुण है, लेकिन ये अवेयरनेस स्त्रियों में भी इतनी ही आवश्यक है। यदि तुम में कोई भी गुण कम है या कमजोर है या विपरीत है, विपरीत है, मान लो तुम पुरुष हो, मान लो क्या तुम हो ही, तुम पुरुष हो लेकिन तुम में धैर्य बहुत है, पुरुष हो और तुम में धैर्य बहुत है, बहुत ही होते हैं ऐसे, सच में अंदर से इतने धैर्य वाले को, इतनी पेशेंस उनमें है, इतना सब्र उनमें है, आधा तो स्त्रियां बना देती है उन्हें, इतना धैर्यवान, और आधा प्रकृति ने तुम्हें बना के भेजा होगा। लेकिन मान लो अधीर नहीं हो, पुरुष हो, धैर्य कौन सी प्रकृति है, स्त्रैण। अब तुम धैर्यवान हो और तुम पुरुष हो तो यहां सामने कौन सी है, कर्मठ। तुम्हें कर्म क्षेत्र में आगे बढ़कर इन दोनों शक्तियों को संतुलित करना है। समझ में आ रही है बात। इसी तरह यहां पर कोई स्त्री जो बैठी है, उस स्त्री के अंदर बहुत ही उदार चित है, जैसे मैंने नया प्रभु का एग्जाम्पल दिया, उदार चित है, देने में बहुत ही दोनों हाथ खोल कर देती हैं, ऐसा उदार चित है स्त्री का, तो ये क्वालिटी किसकी है, पौरुष। तो तब उन्हें इसके सामने कौन सी है, रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता वाली क्वालिटी को और विकसित करना पड़ेगा, तब इनकी गिविंग की जो क्वालिटी है वो संतुलन में आएगी। ये बात समझ में आ रही है। और एग्जांपल्स ले लो, ये स्त्रैण गुण है दया, दया का, ठीक है, असेंशियली स्त्रैण गुण है। लेकिन मान लो कोई पुरुष है जिसमें बहुत दया का भाव है, बहुत, किसी को देखता है आंख में आंसू आ जाते, कुछ देखता है तो हृदय कंप जाता है, मान लो ऐसा कोई गुण है, तो दया का जो गुण है वो है स्त्रैण गुण, लेकिन अब इस स्त्रैण गुण को बैलेंस करना है तो क्या करेगा, साहस लाएगा। वो जैसे जैसे अपने जीवन में साहस लाता जाएगा, वैसे वैसे उसका फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो भी संतुलन है, बैलेंस है, वो अपने आप बढ़ता जाएगा। और एग्जाम्पल से समझो, समझो तुम बड़े ही निश्चयात्मक हो, कोई स्त्री बड़ी ही निश्चयात्मक है, ये निश्चयात्मक पना पौरुष गुण है तुम्हारे में, बहुत अच्छी बात है, तुम दृढ़ निश्चय में हो कि ये करना है तो करना है, मानसरोवर मुझे जाना है तो जाना है,
उसके लिए रोज इतना मिनट इतना घंटा चलना है तो चलना है, इतना किलो वजन कम करना है तो करना है। थोड़े दिनों में तुम भी आके बताना कि प्रभु हाँ थोड़ा थोड़ा, थोड़े दिनों में, अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी तुम बोलोगे तो मैं भी समझ जाऊंगी कि यू आर फ्लैटरिंग। तो निश्चय कर लिया वो कर लिया। अब ये मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे में निश्चयात्मकता बहुत ज़्यादा है वर्षों से, ठान लिया तो ठान लिया। जो मेरे को बहुत सालों से जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है, ये पौरुष गुण है, ये मेरे भीतर का एक पौरुष गुण है कि इतना दृढ़ निश्चय होता है कि ये करना है मतलब करना है, हठ नहीं है। हठ हम तब कहेंगे जब सही गलत का निर्णय ना हो, सही गलत के निर्णय बिना मैं कहूं मुझे ये चाहिए ही चाहिए तो ये हठ हो गया, जिद हो गई, ऑब्स्टिनेसी हो गई। लेकिन जब सही गलत का पूरा पूरा विवेक है और उसके बाद अब हठ कर रहे हैं तो उसे निश्चय कहा जाता है। तो ये क्वालिटी, मैस्कुलिन क्वालिटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, दृढ़ निर्णय। लेकिन जब दृढ़ निर्णय है तो साथ में उसके सामने क्या खड़ा है, अवलोकन। मेरा अवलोकन जितना गंभीर और गहरा होगा मेरा व्यक्तित्व उतना ही संतुलित होता जाएगा। मेरे से शायद तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा जैसा व्यक्तित्व बड़ा ही क्रमिक विचारशीलता वाला है। देखो तो सारे ही पौरुष गुण डोमिनेटिंग है अपने अंदर, देखो तो ये क्रम से विचार करती हूँ, थैंक यू। ये किस लिए पता नहीं, मेथोडिक वे से थॉट करती हूँ अपने लिए भी और आपके लिए भी। कब क्या समझाना है, कैसे समझाना है, समझाने में क्रम होता है। ये शिवा बाबा को समझाया उसमें तो मेरे पास कितनी ईमेल्स आई कि बेन प्रभु इतना क्रमिक ढंग से इतना सरल बना के आपने शिवा को समझा दिया जो हमारे आज तक कभी भेजे में भी नहीं आया था। ठीक है, पौरुष गुण है मेरा। इस बेन प्रभु के व्यक्तित्व के अंदर ये पौरुष गुण है कि बड़े ही क्रम से सोचती है और जो क्रम से सोचेगा ना वही क्रम से बोलेगा। चूंकि तुम क्रम से सोचते नहीं इसलिए तुम क्रम से बोल भी नहीं पाते, पहले का बाद में बोलते हो, बाद का पहले बोल जाते हो और उसमें सब गड़बड़ कर जाते हो। क्रम से सोचता है, क्रम से बोलता है, ये गुण मेरे में जबरदस्त है। तब इसके सामने कौन सा है, प्रज्ञा। मुझे अपनी प्रज्ञा का भी विकास करना होगा, इंट्यूटिव पावर्स को डेवलप करना होगा, तब मेरे व्यक्तित्व के अंदर वह संतुलन आएगा। समझ पा रहे हो, और एग्जांपल से समझो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ लो ये पुरुष वर्ग जो है यहाँ पर बड़ा ही रचनात्मक है, ये अवनीश है, ये पार्थ है, इन सबको मैं रचनात्मक लोग कहती हूँ क्योंकि ये किसी किसी ना किसी ढंग से कैसा जो गाते हैं, ये अवनीश प्रभु है, ये पूरा जो भक्ति टीम है ऐसे गाती है, नए नए ढंग से बजाते हैं। ये पार्थ प्रभु को कभी बजाते हुए देखते हैं तो अलग 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 इनके हाथ उंगलियां ताल थाप सब चलती रहती है। तो एक रचनात्मकता है, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। आप ब्लिस ऑफ विजडम भी देखते हैं तो अलग अलग ढंग से हर पेज को सजाया है, तो एक रचनात्मकता है। ये कौन सा गुण है, है ये पुरुष, लेकिन ये गुण कौन सा है इसके अंदर, स्त्रैण गुण। अब इस गुण को बैलेंस करने के लिए इसको क्या चाहिए, अपनी जागृति। ये टोटली बैलेंसिंग एक्ट है। जितनी जितनी इसके जीवन में जागृति बढ़ेगी, बेहोशी घटेगी, होश प्रगाढ़ होगा, उतना उतना रचनात्मकता तो इसको ईश्वर ने दे दी। इसको लिंग दिया पुरुष का, जेंडर इज मैस्कुलिन, लेकिन इसको गुण कौन सा दिया, स्त्रैण। इसको गुण कौन सा मिला, स्त्रैण। तब इसको अपने स्त्रैण और पौरुष के अंदर जो बैलेंस करना है, इसको अपनी लाइफ में अवेयरनेस बढ़ानी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बहुत सारी चाबियां मिल गई आज, ये पूरे चार्ट को टैली करो, खाली ऐसे ही, या फिर सच में तुम्हें लगता है। और तुम देखो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, ना मैं ऐसा कह सकती हूं कि मैं मेरे में पूरा पौरुष बना है, ना तुम ऐसा कह सकते हो कोई भी स्त्री के तुम पूरे स्त्री हो, ना तुम कह सकते हो कि पूरे स्त्रैण गुण तुम में है, ना तुम कह सकते हो कि पूरे पौरुष गुण है। जिग-जैग कहीं ना कहीं कुछ ये ज्यादा है, कुछ वो ज्यादा है, और कहीं कुछ ये भी ठीक है, कभी ये ज्यादा है कभी वो ज्यादा है, ज्यादा तकलीफ उसकी है। कभी बहुत रिसेप्टिव हो तो कभी बिल्कुल ही नो, ऐसा है कि नहीं। सदा तुम्हारा एक गुण ज़्यादा हो तो उससे भी काम निकाला जा सके, लेकिन इतना ज़्यादा माइंड का फ्लक्चुएशन है कि कभी दया बहुत ज़्यादा है तो कभी कर्मठता बहुत ज़्यादा है।
सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है, इन सबको बैलेंस करना है। तो कम से कम अब तुम अपने व्यक्तित्व को पहचान तो सकते हो इस चार्ट के माध्यम से। कोई प्रश्न अब तक? एनी क्वेश्चन टिल नाउ इससे रिलेटेड? शिवा से नहीं? हाँ, नहीं नहीं प्रज्ञा इसके अंदर बस उसका मन करता है। देखो स्त्री के अंदर ना एक नॉर्मल प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी लॉजिकली कोई बात सेट होती है कि नहीं होती पता नहीं, लेकिन वो उसको वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है वो मुझे याद कर रहे हैं और वो उन्हें याद कर रहे होते हैं। इसमें कोई थर्ड साइकिक पावर नहीं है उसके पास। लेकिन स्त्री के पास कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति ज़रूर होती है कि वो जो सोचती है ना कहीं सामने हो रहा होता है। इसलिए इस परंपरा में शक्ति को पूजा गया है, क्योंकि इंट्यूशन ये प्रज्ञा स्त्री के पास है। और कोई प्रश्न इसमें? यस, वन वन से रिलेटेड है। तुम क्रॉस फैक्टर्स नहीं बना सकते, वन वन से, टू टू से, और इसीलिए इस तरह बनवाए हैं। और इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा रही हूँ कि यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा है, अच्छा है, तुम्हारा स्त्रैण गुण अच्छा है, क्रिएटिव हो तुम, लेकिन साथ साथ में जागृति बढ़ाओ तुम्हारे अंदर। तुम कुछ भी हो सकते हो, अब तुम यहाँ पे स्त्री और पुरुष भूल जाओ, अब केवल गुणों को ध्यान में रखो। तुम्हारे में ये गुण ज़्यादा है तो तुम्हें दूसरा बढ़ाना, दैट्स ऑल। क्यों हम इतनी जेंडर बेस्ड बातें करें कि भाई पुरुष हो तो ये करना है, स्त्री हो तो ये करना है? तुम केवल अपने गुणों को देखो, अगर वो गुण तुम में है तो उसके सामने का जो गुण है उसको तुम जैसे विकसित करोगे, तुम्हारे भीतर व्यक्तित्व का संतुलन आता जाएगा। अब ये जो स्त्रैण गुण है, स्त्रैण गुण ये चलते हैं लेफ्ट नाड़ी के थ्रू। तुम्हें बताया है 72,000 नाड़ियाँ हैं, और उन 72,000 नाड़ियों में के अंदर भी 3 मेन नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ। ये नाड़ियाँ क्या है? कोई वो व्हाइट कलर का नाड़े की बात नहीं कर रही मैं, ये नाड़ी कौन सी है? मैं वेन्स की भी बात नहीं कर रही, दे आर नॉट वेन्स। योगिक कल्चर में इनको वेन्स भी नहीं कहा जाता। तुम शरीर को काटोगे तो तुम्हें नाड़ियाँ कहीं नहीं मिलेगी, वेन्स मिलेंगी शरीर काटोगे तो, नसें मिलेंगी, लेकिन नाड़ियाँ और नसों में बहुत फर्क है। तुम्हारा ये काटेंगे, तुम्हारा खोपड़ी काटेंगे तो उसमें विचार मिलेंगे? नहीं मिल, तो विचार नहीं है इसका मतलब, बहुत तुम विचारों से ही तो भरे हो। तो इसी प्रकार नाड़ियां जो है वो नस नहीं है। एक तो ये अपनी मिथ को हटाओ, 72,000 नाड़ियां यौगिक कल्चर में जो कही जाती है वो कोई और अपेक्षा से ऐसे एनर्जी चैनल्स हैं कि जिससे ये लिविंग एनर्जी, ये वाइटल एयर जो है, प्राण ऊर्जा जो है वो बहती है। तुम्हारी नाड़ियों में तो खून बहता है, नसों में, नाड़ियां क्या, तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है, लेकिन उस खून को भी धक्का मारने वाली कोई और चीज होगी कि नहीं? खून को भी, वरना अगर कोई धक्का मारने वाला ना हो तो खून तो सीधा वहीं का वहीं पड़ा रहे। कोई धक्का मारने वाली ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी जिस चैनल के साथ फ्लो कर रही है उसे यौगिक शास्त्र में नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी 72,000 है नाड़ियाँ, और इसमें भी मुख्य 3 है, एक इड़ा, दूसरी पिंगला और तीसरी लेफ्ट। आज ब्लैक नहीं है क्या? राइट और सेंट्रल। लेफ्ट को क्या कहते हैं? बायां, बायां कहते हो, क्या कहते हो? बायां, मैं लिख दूं यहां पर, बायां, दायां और मध्यम। ये जो लेफ्ट नाड़ी है ये स्त्रैण है, ये जो राइट नाड़ी है इसके पास पौरुष गुण है। स्त्री और पुरुष नहीं कर रही मैं, गुणों की बात कर रही हूँ। स्त्रैण है, पौरुष है, और ये परब्रह्म है तीसरा। तुम्हारे यौगिक शास्त्र में जो अनुप्रभु जिस योग की बात करते हैं पतंजलि ने, इसको कहा ईड़ा, इसको कहा पिंगला, और इसको कहा सुषुम्ना। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो सफ़ेद जो है वो ईड़ा है, लाल पिंगला, और मस्टर्ड जैसी है वो सुषुम्ना। नीचे से शुरू हो रही है तुम्हारे मूलाधार से, यूं रोल, यूं स्पाइरल में ऐसे घूमती है, यहाँ से घूम रही है, यहाँ आ रही है, फिर
स्वाधिष्ठान से घूम रही है, मूलाधार पे, अनाहत से घूम रही है, विशुद्धि पे, यहाँ से घूमती है, यहाँ जाती है, फिर यहाँ से बाहर आती है। ये ऐसे 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 करके ये पूरा ये चक्र फॉर्म के अंदर घूमती है, एक स्पाइरल बॉन्डिंग करती है, उसमें घूमती है। स्त्री की जो नाड़ियां हैं उसमें जो ऊर्जा बहती है वो पहले एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, जैसा भी रखो, उल्टा सुल्टा तुम मत करो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो बातें होती है। स्त्री के अंदर शुरू होता है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू होती है पहली नाड़ी की। तो उसके ऊपर जो होती है सहज, ये मूलाधार के बाद आया स्वाधिष्ठान, वो क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, देन अनाहत क्लॉकवाइज, देन विशुद्धि एंटी क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज करके फाइनल एंटी क्लॉकवाइज से शुरू होती है और एंटी क्लॉकवाइज पे खत्म होती है। ये स्त्री की नाड़ी के अंदर जो ऊर्जा बहती है उसका क्रम है। पुरुष का इससे विपरीत होता है, शारीरिक स्तर पर बात कर रहे हैं अभी। पुरुष की जो पहली नाड़ी होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते करते आखिरी क्लॉकवाइज। सात मुख्य चक्र है ना, तो पहली एंटी क्लॉकवाइज स्त्री की, तो पुरुष की पहली क्लॉकवाइज, और स्त्री की आखिरी एंटी क्लॉकवाइज, तो पुरुष की भी आखिरी क्लॉकवाइज। ये यूं यूं जो तुम देख रहे हो यही स्त्री पुरुष के यूनियन को समझा रहा है। स्त्री पुरुष के अंदर यूनियन हो क्यों सकता है, वाई? प्राकृतिक रूप से स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी जब क्लॉकवाइज घूम रही है तब तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जब तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसकी क्लॉकवाइज घूम रही है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। इसी नाड़ियों को, ये इसी नाड़ी के प्रवाह के साथ ही पूरी यौगिक साधना तुम्हारी जुड़ी रहती है। लेफ्ट नाड़ी के साथ स्त्रैण गुण विकसित होते हैं, राइट नाड़ी के साथ पौरुष गुण, और सेंट्रल नाड़ी के अंदर जब लेफ्ट और राइट बैलेंस होते हैं तो सेंट्रल नाड़ी के अंदर जो सुषुम्ना है उसकी ऊर्जा अपने आप ऊपर उठना शुरू होती है। इस बात को अच्छे से समझो, क्योंकि ये कैसे है पूरा, ये तुम्हारी स्पाइन है, स्पाइन के लेफ्ट तरफ यहाँ पर इड़ा जा रही है, स्पाइन के राइट में इस तरफ पिंगला जा रही है, और बीच में सुषुम्ना जा रही है। जैसे जैसे ये दोनों बैलेंस होते जाते हैं, हर चक्र के आसपास ये दोनों बैलेंस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होती है। इस ऊर्जा के तीन द्वार हैं, एक सीधी जाती है सहस्त्रार पर, तब होता क्या है, कुंडलिनी जागरण। कई लोग पूछते हैं कि आपकी साधना से कुंडलिनी भी जागती है, हमने कहा मालूम नहीं, हमारी तो नहीं जागी अभी तक, लेकिन तुम मुझसे भी ज़्यादा कोई और रास्ता ले लो। तो एक रास्ते से जागती है कुंडलिनी, दूसरा जो मेरु मज्जा से रास्ता जाता है आज्ञा चक्र पर पहुँचता है कि नहीं, वो बहन जी हमारी उसके अंदर है। यहाँ से मेरु मज्जा से जो रास्ता जाकर आज्ञा चक्र पर खुलता है उससे होता है आत्मज्ञान। और तीसरी धारा, इसी के अंदर एक तीसरी भी धारा है, उसकी कभी और हम बात करेंगे, अभी तुम केवल इतनी दो समझो। तीन धाराएं जाती है सुषुम्ना से। ईड़ा यानी तुम्हारे स्त्रैण गुण किस में होते हैं, स्त्री में, हाँ दोनों में, अब तुम जागो। पिंगला यानी तुम्हारी पौरुष नाड़ी जिसके अंदर होते हैं पौरुष गुण, किस में, जिसके अंदर होते हैं, मतलब जिसके माध्यम से वो उभरते हैं और जिसके माध्यम से वो बहते हैं। हम कहते हैं ना भावनाओं में बह गए, ये भावना में बहना, बहने के लिए मीडियम कौन था, माध्यम कौन था, तो कोई ना कोई नाड़ी। तुम पौरुष भावनाओं में बह रहे हो तो पिंगला नाड़ी वर्क कर रही है, तुम स्त्रैण भावनाओं में बह रहे हो तो ईड़ा नाड़ी कर रही है। स्त्रैण नाड़ी जो होती है ये चंद्र से रिलेटेड होती है, मून रिलेटेड। राइट नाड़ी जो होती है वो सूर्य से रिलेटेड होती है, और सेंट्रल नाड़ी आकाश से रिलेटेड होती है, एंटायर एथरिक स्पेस। पुरुष का शरीर केवल सूर्य नाड़ी के प्रति संवेदनशील होता है, लेकिन स्त्री का शरीर एक महत्वपूर्ण शरीर माना जाता है, और इसलिए यह शरीर पुरुष सूर्य से तो प्रभावित होता ही है, लेकिन साथ साथ में मून से भी, चंद्र से भी प्रभावित होता है। जब तक स्त्रियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे होते हैं तब तक तुम्हारा शरीर दोनों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, सूर्य को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और चंद्र को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ।
लेकिन कहीं हमारी मान्यताएं ऐसी हो गई कि अरे ये क्या झंझट है, हर महीने ले लेके घूमते रहो, लेकिन ये झंझट नहीं है। योर बॉडी ऐसा डिवाइन मैकेनिज्म भगवान ने केवल स्त्री को दिया है कि जो सूर्य और चंद्र, सोलर एनर्जीज और लूनर एनर्जीज, सन और मून दोनों को रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके लिए कार्य करना और अधिक आसान हो जाता है। बुरा कुछ भी नहीं है, न सूर्य नाड़ी से अकेले प्रभावित होना बुरा है, न सूर्य चंद्र दोनों से प्रभावित, लेकिन जो स्त्रैण शरीर है वो ज़्यादा आसानी से आत्मज्ञान तक पहुँच सकता है। लेकिन जो पुरुष शरीर है, क्योंकि वो प्रकृति के केवल एक हाफ को रिस्पॉन्ड कर रहा है, सूर्य को, इसलिए उसके लिए आत्मज्ञान के लिए बहुत जबरदस्त साहस चाहिए, बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ। लेकिन स्त्री को इतना पुरुषार्थ नहीं चाहिए जब तक वह चंद्र को भी अफेक्ट कर रही है, चंद्र की ऊर्जा उसको अफेक्ट कर रही है। शिव शास्त्र के अंदर इसी को रुद्र कहा, इसको हरा कहा, इसको सदाशिव कहा। जो लोग शिव शास्त्र को पढ़ रहे हो उनके लिए भी ये लेफ्ट नाड़ी ही रुद्र है, राइट नाड़ी हरा है, सेंट्रल सदाशिव है। लेफ्ट नाड़ी को ही शक्ति कहा, राइट नाड़ी कौन हो गए, शिव हो गए, और सेंट्रल नाड़ी क्या हो गए, परब्रह्म शिवा। लेफ्ट नाड़ी क्या बन गई, राधा, तो राइट नाड़ी क्या हो गए, कृष्ण, तो सेंट्रल नाड़ी क्या हो गए, परब्रह्म स्वयं। देखो सब कुछ घूम फिर के वहीं आके लगेगा। लेफ्ट नाड़ी जो है वो डिवोशन का प्रतीक है, भक्ति, तो राइट नाड़ी जो है वो विवेक का प्रतीक है, इंटेलेक्ट, तो जो सेंट्रल नाड़ी है वो अवेयरनेस का प्रतीक है। हर एक नाड़ी को, तुम किसी भी भाषा में चले जाओ, यौगिक कल्चर के पास इतना ज्ञान है, इतनी गहराई है ज्ञान की, कि तुम कोई भी शब्दों को उठा के ले आओ, वो अपने ताने बाने के अंदर बांध के तुम्हें उसका अर्थ समझा ही देगा। ये यौगिक कल्चर की महत्ता है। यहाँ पे देखो, जो कुछ भी तुमने आज तक सुना है, सारे शब्द आ गए, इड़ा पिंगला आ गए, स्त्रैण पुरुष आ गए, आकाश आ गया, यहाँ पर चंद्र, ये चंद्र नाड़ी लेफ्ट, ये सूर्य नाड़ी राइट, और ये महाकाश सेंट्रल, शक्ति लेफ्ट, शिव राइट, और परब्रह्म लेफ्ट। 500 वर्ष पहले तक राधा का कोई उल्लेख नहीं था इन हिंदू शास्त्रों के अंदर। मैंने ये बात तुम्हें पहले भी कही है, 500 वर्षों से पहले तक राधा का कोई उल्लेख नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि राधा है क्या, शक्ति है, उसका क्या उल्लेख करें, जिसने पूरा अपने अंदर इस पूरे यूनिवर्स को समाया है, ऐसे परब्रह्म की बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा जब इन योगियों को, तो उन्होंने राधा को भी शक्ति रूप से स्थापित किया, लेकिन हमने उन सब शक्तियों को व्यक्ति रूप से स्थापित किया। शक्ति को शक्ति रूप से रहने दो, व्यक्ति रूप से मत स्थापित करो। आज के श्लोक यदि हम वहां तक पहुंचे तो भगवान कृष्ण कहेंगे, मैं वासुदेव कृष्ण नहीं, मैं परब्रह्म तुझसे बात कर रहा हूं। परब्रह्म के एंगल से जब देखो, यानी थर्ड चैनल जब हमारा एक्टिवेट हो गया है, वहां पर से जब कोई बात करता है तो कहा जाता है कि ईश्वर बोल रहे हैं, भगवत स्वरूप अपने आप को प्रकट कर रहा है। ये थर्ड नाड़ी तक पहुंचने के लिए इन दोनों के बीच में एक जो सामंजस्य है, संतुलन है, इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, उसको हमें क्रिएट करना होगा, और उसकी साधना में अब हम जुड़ेंगे। उससे पहले कोई प्रश्न, ओनली वन, इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, लेफ्ट वाली नाड़ी का ठंडा इफेक्ट होता है, राइट नाड़ी का, ये तो बोल दोगे तुम ठंडा गरम, अब यहां क्या बोलोगे, नहीं, इट्स एन एक्सटेटिकल अनुभव, जो कई बार तुमने देखा होगा, यूं हो जाते हो तुम, दोबारा करके देखो, स्पाइन इन, चिल इन द स्पाइन, क्या बोलते हो इसको, ऐसा कुछ बोलते हो ना, यूं एकदम तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अचानक, ना कूलिंग इफेक्ट होता है, ना हीटिंग इफेक्ट होता है, इसे इट्स एन एक्सटेटिकल इफेक्ट। अचानक से तुम्हें लगता है, अभी दो दिन पहले आप मुझे कह रहे थे ना कि प्रभु अचानक दिन में ना कितनी बार ऐसे हो जाता है, ये क्या है, ये तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी जो है ना वो जागृत हुई, उसका इफेक्ट है। अभी भी हो रहा है, सदगुरु के साथ जब तुम किसी भी सभा में होगे
तो स्वाभाविक है कि तुम्हारी सुषुम्ना जागृत होगी। रेलिवेंट प्रश्न हो तो पूछिए। अरे कबीर की कोई अलग वोकैबुलरी नहीं है, बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। इड़ा पिंगला, ये अनुप्रभु आप में भी आता होगा, इड़ा पिंगला सुषुम्ना ऐसे ही आती है, लेफ्ट के आप में राइट आती है, लेफ्ट राइट और सेंट्रल, ये ऐसे ही ऊर्जा बहती है। जिस जिसने कबीर ने जब योग की धुन में होंगे तो उन्होंने इड़ा पिंगला आदि शब्द यूज कर दिए। जो ये रुद्र हरा और सदाशिव, ये शिव भक्त भी बैठे होते हैं यहाँ, कुछ है आप लोग हैं, आपके अंदर रुद्र हरा वगैरह शब्द यूज किए जाते होंगे, ये इड़ा पिंगला के रेफरेंस से ही बात हो रही है। दोनों का संतुलन कल प्राकृतिक रूप से होगा, कल सुबह से परसों सुबह तक प्राकृतिक रूप से ये दोनों गुणों का संतुलन तुम्हारी प्राण वायु के माध्यम से होगा। लेकिन तुम्हें ये काम का तभी है जब तुम इसके प्रति बार बार कल के दिन में सजग होते जाओ, अवेयर होते जाओ। ये सजगता किस तरह साधनी है उसके लिए हम छोटी सी साधना करेंगे जिसे तुम कल कर सकते हो। जो लोग अभी स्वराज क्रिया के साथ ही फिजिटिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें नई नई साधनाओं की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। साधना मतलब कला बेशक करें लेकिन उसको रूटीन में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो निश्चित और नियमित रूप से स्वराज क्रिया कर रहे हैं, जो ये आगे फ्रंट सीटर्स होते हैं सारे वही होते हैं, निश्चित नियमित रूप से कर रहे हैं, वो अपने दैनिक जीवन में इन नए नए एड ऑन्स करते जाओ। स्वराज क्रिया करो। जो अभी स्वराज क्रिया के साथ ही जगल कर रहा है बेचारा, उसको तो मैं कहूंगी वो पहले स्वराज क्रिया ही ठीक से कर ले, क्योंकि स्वराज क्रिया वह भूमिका है, वह समतल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये सारी यौगिक क्रियाएं उतारी जा सकती है। जब तक तुम स्वराज क्रिया का प्लेटफॉर्म ही नहीं क्रिएट करोगे, ये यौगिक क्रियाएं तुम्हें प्राकृतिक लाभ देगी लेकिन तुम्हें आत्मिक लाभ नहीं दे पाएगी। इसलिए स्वराज क्रिया को बहुत अच्छे से करो। नहीं कर पाते तो ठीक है, कल कल के दिन में एक बार ये साधना कर लेना, बट योर बेसिक फोकस शुड बी स्वराज क्रिया। यदि तुम उस क्रिया को नहीं कर रहे और सीधा इन यौगिक क्रियाओं में उतर रहे हो तो थोड़ा बहुत प्राकृतिक लाभ हो जाएगा लेकिन उससे कोई आध्यात्मिक आत्मिक लाभ नहीं होगा। और जो हमेशा कर रहे हैं वो लोग तो इसको 5-5 मिनट के लिए भी अपने जीवन के अंदर डालते जाए। तो आप सब तैयार हैं एक छोटी सी ध्यान साधना के लिए? तैयार बिल्कुल। भगवद गीता भी करनी है अभी और साधना भी करनी है। अगर आज भगवद गीता का सत्संग आगे ना बढ़े तो आप में से किसी को बुरा तो नहीं लगेगा कि हम तो भगवद गीता सुनने आए थे? नहीं लगेगा। YouTube के व्यूअर्स को भी मैं कह दूं कि वो भगवद गीता के नाम से खोलेंगे और मिलेगा ये, लेकिन इसलिए हमें भगवद गीता तो बढ़ानी है। प्रश्न बहुत ज़रूरी है, पूछ। उसका कोई नाप नहीं होता, वो अपने आप आता है प्रभु, इसका कोई बैरोमीटर नहीं होता। वो जैसे जैसे इक्विलिब्रियम में आता है आपके जीवन में एक्सटेटिकल मूवमेंट्स बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है। बिल्कुल। देखिए हमेशा संतुलन में हो, मेरे जैसे लोग जो मेरे आसपास रहते हैं वो जानते हैं कि 24 घंटे में ज़्यादातर 23 घंटे प्रभु आनंद में होते हैं, मस्त होते हैं, यानी 23 घंटे तक सब संतुलन में है। एक आध घंटा हमारा भी खोपड़ा बिगड़ता है 23 घंटे। तो जितने घंटे आप उस आनंद में हो, तुम्हारे अंदर भीतर कोई तरंगे नहीं उठ रही विचारों की, आकुलता की तरंगे नहीं उठ रही, इसका मतलब है तुम्हारा सुषुम्ना अपना कार्य कर रहा है और बाकी दोनों संतुलित है। जैसे जैसे आप आनंद के अनुभव से बाहर आते हैं, आकुलता में जा रहे हैं, भय में जा रहे हैं, संज्ञाओं में भाग रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्त्रैण और पौरुष नाड़ियां हैं, गुण है, वो सारे असंतुलित हो रहे हैं, सुषुम्ना ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है। दिन के जितने घंटे आनंद निराकुलता से भरे हुए हैं उतने घंटे तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की तरफ प्रवाह को भेज रही है। और हमने तो स्वराज क्रिया के साथ साथ कुछ ऐसा पैक कर दिया है तुम्हारे इन चक्रों को, कुछ इस प्रकार से पैक किया है कि नाड़ियां अपने आप ही ऊपर की तरफ अपना प्रवाह शुरू करती है। इन क्रियाओं से क्या फायदा होगा ये मुझसे शुरू से मत पूछना, करो तो जानो। और उसमें भी यदि तुमने स्वराज क्रिया का बेस
स्ट्रॉन्ग किया है, तो तुम्हारे लिए इन क्रियाओं के माध्यम से अतिरिक्त एडिशनल पॉइंट्स जो होते हैं, एडिशनल ग्रोथ जो होता है, तुम्हारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। ठीक है, जितना समय दिन का आनंद का है, तुम्हारे सुषुम्ना ऊपर की तरफ प्रवाह भेज रही है और वो गगन गुफा तक जा रहा है, तभी रस झर रहा है। आनंद भी एक रस है। ये आनंद झर कहाँ से रहा है? तुम्हारे घुटनों में से नहीं झर रहा, तुम्हारे यहाँ से। विज्ञान की भाषा में उन्हें हॉर्मोन्स कहते हैं, हमारी भाषा में इसको रस कहते हैं। लेकिन झरता कहाँ है सब कुछ? हॉर्मोन्स भी कहाँ झरते हैं? ब्रेन के अंदर ही झर रहे हैं। इसी प्रकार ये रस भी इस गगन गुफा के अंदर झरता है। जब तक रस झर रहा है, मस्ती में हो, आनंद में हो, खेलपूर्ण हो, तब तक समझो सुषुम्ना अपना कार्य कर रही है, ऊपर जा रहा है प्रवाह, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है। लेकिन जैसे ही डल हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ, आकुलता में चले जाओ, मैथुन आदि संज्ञाओं की तरफ भागते हो, वैसे ही समझना असंतुलन हो गया। जहां तुम में मैथुन उठा, क्रेविंग उठी उस सेक्स की, तभी समझ लो तुम्हारा पुरुष गुण हावी हो गया। तुम में उठी यानी तुम्हारा स्त्रैण गुण तुम पर हावी हो गया, संतुलन नहीं है। जहां कोई भी वासना उठती है, यहां पर इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट ऑन दिस मैटर, लेकिन अभी हम साधना सीखेंगे। जहां बैठे हो मस्ती से बैठो, नीचे आने की बाद में, क्योंकि एक साधना करानी है, उसके बाद भगवद गीता। ये चार्ट्स तुम लोग क्लिक कर सकते हो, वेबसाइट पर भी इसको डाला जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट रेफरेंस चार्ट है, हमने बहुत रिसर्च के बाद बनाया है इसको, और उसके अंदर इसीलिए जो वन के सामने वन और टू के सामने टू, ये इसके लिए पूरे एक यौगिक अनुभूति चाहिए। उसके बिना इन दोनों को पैरेलल नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत ध्यान से इस चार्ट को देखना, समझना, आज के दिन में इंट्रोस्पेक्ट करना और कल के दिन तक अपने आप को साधना के लिए तैयार कर लेना। चेहरे पर एक बड़ा प्यारा सा स्मित हो, ये अनिवार्य है। तुम अंतर युद्ध में जा रहे हो, यहाँ कुछ भी कभी खोता नहीं है, खाली प्राप्ति ही होती है। और ऊपर से भगवान कृष्ण ने भी कहा कि यदि एक क्षण भी तुमने इस अंतर युद्ध में उस मग्नता का, उस आनंद का, उस एक्सटेसी का अनुभव कर लिया, तो वो मैं तुम्हारे साथ पैक करके भेजूंगा। इसलिए पूरे आनंद के साथ, कोई विस्मय के बिना, कोई संशय के बिना, कोई संशय मत रखो अभी कि ये सच भी होगा कि गलत होगा, संशय के बिना इस साधना के अंदर उतरो। इक्विनॉक्स कल है, आज से हम आपको इसकी तैयारी शुरू कराते हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर पूरे खोल के, सारी उंगलियां पूरी उघड़ी खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। जरा अपने शरीर की तरफ देखो, बैठे हुए आकार में यह शरीर दिखता तो है स्त्री का शरीर, लेकिन अनिवार्य रूप से यह ईश्वर की छवि है। और यदि यह ईश्वर की छवि है, तो इसमें स्त्रैण और पौरुष दोनों समाये हैं। तुम्हारे भीतर के स्त्रैण और पौरुष गुणों को सहज करने, सक्रिय करने, उघाड़ने के लिए अब हम एक साधना में जुड़ेंगे। वैसे तो पतंजलि परंपरा में अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन से भी यही कार्य करने की आकांक्षा होती है, लेकिन साधना, आत्मज्ञान की तरफ जाती साधना में हम थोड़ा और इसके साथ करते हैं। आते जाते श्वासोश्वास को देखो, जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो पेट फूलता है, महसूस करो फूलते पेट को। जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है, महसूस करो सिकुड़ते पेट को।
एक दूसरा अभ्यास भी शुरू करो कि जब आप श्वास भीतर लेते हो तो आपके कंठ में एक आवाज आती है और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तब भी आपके कंठ में गले में समुद्र में उठती लहर जैसी आवाज आती है। जोर जोर से श्वास नहीं लेनी, ऐसी मेडिटेटिव ब्रीदिंग हो कि तुम्हारे श्वास लेने छोड़ने की आवाज तुम्हारे साथ वाले को भी ना आए, लेकिन तुम्हारे गले के अंदर जो आवाज उठ रही है आप उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन सके। जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो आपके कंठ में कुछ समुद्र में उठती लहर जैसी आवाज आती है और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तब भी इस कंठ के अंदर बड़े ही प्राकृतिक रूप से एक ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। महसूस करो अपने कंठ में आज उस ध्वनि को। तुम थोड़ा खींच के श्वास लोगे तो तुम्हें यह ध्वनि बड़ी सरलता से सुनाई देगी। गले से जब श्वास भीतर जाती है तो हमारे भीतर रहा जल तत्व उसके साथ घर्षण करता है और उस कारण ऐसी आवाज उठती है। अब हम साधना का प्रथम ढंग करेंगे जिसमें आपने पूरी श्वास भीतर भरनी होगी लेफ्ट राइट दोनों नॉस्ट्रल से और जिस चक्र पर हम कहेंगे वहां एकाग्रता करनी होगी। एड़ा पिंगला दोनों एक साथ कार्यशील होंगे अभी, तो शुरू करते हैं। पूरा श्वास भरो, पेट फूले, मूल बंद लगे और महसूस करो मूलाधार चक्र को। मात्र मूलाधार चक्र श्वास छूटे तब छूटने दो और फिर दोनों नासिका से श्वास छोड़ो। एक बार और पूरा श्वास भरो, पेट फूले, मूलाधार को महसूस करो। जितने देर श्वास रोक सकते हो रोको, मूल बंद कर सकते हो करो, लेकिन महसूस करते रहो आपके मेरुदंड का नीचे का हिस्सा। श्वास छोड़ो और ऊपर चलते हैं। पूरा श्वास भरो, मूल बंद लगे, मेरुदंड में नीचे से ऊपर स्वाधिष्ठान महसूस करो। श्वास छोड़ दो और अगले श्वास के साथ वापस पूरा श्वास भरो, पेट फूले, मूल बंद और नीचे से ऊपर आते हुए मणिपुर चक्र।
श्वास छोड़ दो। अगली श्वास के साथ पूरा श्वास भरो, पेट फूले, मूल बंद और नीचे से ऊपर आते हुए अनाहत चक्र। श्वास छोड़ो, तुम पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस करने लगोगे। तुम्हारा शरीर शेक कर सकता है क्योंकि अभी हम ऊर्जा को एक अलग स्तर से बढ़ाने लगेंगे। अंतिम चक्र के लिए पूरा श्वास भरो, मूल बंद, नीचे से ऊपर आते हुए विशुद्ध चक्र महसूस करो। छोड़ दो श्वास, चेहरे पर प्रसन्नता, क्योंकि अब हम संपात की साधना में प्रवेश करेंगे। इक्विनॉक्स के लिए कौन सी साधना आवश्यक है वो अब हम शुरू कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर स्त्रैण और पुरुष का एक संतुलन बनाना है। प्रकृति इसका कार्य कल करेगी, लेकिन जब तुम होश पूर्वक इस साधना में जुड़ोगे तो वह गुण तुम्हारा स्वभाव बनते जाएंगे। प्रकृति के कार्य का परिणाम तुम्हारे भीतर प्रकटेगा। अब की साधना के लिए हमें प्राणायाम मुद्रा की आवश्यकता होगी। अधिक यदि आप प्राणायाम मुद्रा को नहीं समझते तो बस इतना करें कि अंगूठे से जब हम कहेंगे तब अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रल दाई नासिका को बंद करना। आपकी पहली और दूसरी उंगली आज्ञा चक्र पर आ जाए और बाकी दो उंगलियां, सबसे छोटी और उससे पहले की, उससे लेफ्ट नॉस्ट्रल को जब हम कहेंगे तब बंद करना और खोलना होगा। दाई नासिका को अंगूठे से खोलना और बंद करना, बाई नासिका को सबसे छोटी उंगली और उससे पहले की उंगली से करना, और आज्ञा चक्र पर तुम्हारी बड़ी उंगली और उससे पहले वाली उंगली, मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर। करना ये होगा कि पहले हम बाई नासिका से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़ेंगे और फिर हम उसी नासिका से श्वास को भरेंगे, और भरने के बाद उसे जो चक्र हम बताते हैं उस चक्र पर एकाग्रता पूर्वक निरीक्षण करेंगे। तुम्हारे श्वास के बहने का भी जो चैनल है, जो नाड़ी है, वो तुम्हारे हर चक्र के साथ जुड़ी हुई है। तुम शायद इतना सूक्ष्म अनुभव ना कर पाओ, इसलिए तुम्हें बस इतना करना होगा कि बाई नासिका से लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़ेंगे, फिर पूरा श्वास भीतर भरेंगे और फिर जो चक्र हम कहते हैं वहां पर थोड़ी देर ठहरेंगे। उसके बाद राइट नासिका से दाई नासिका से श्वास बाहर छोड़ेंगे और फिर दाई से ही वापस भरेंगे, फिर वापस उस चक्र को देखेंगे, थोड़ी देर ठहरेंगे और फिर बाई से उस प्राणवायु को बाहर निकाल देंगे। एक एक चक्र पर हम इस प्रकार से गूढ़ उपयोग को रखने की चेष्टा करेंगे।
शुरू करते हैं। दाएं हाथ से, राइट हैंड से प्राणायाम की मुद्रा बनाइए। अंगूठा बिना दबाव के राइट नॉस्ट्रल पर, दाई नासिका पर। उसके बाद की दोनों उंगलियों में से जो भी स्पर्श कर जाए आज्ञा चक्र पर, और बाकी दोनों उंगलियों को बाई नासिका पर, लेफ्ट नॉस्ट्रल पर। शुरू करते हैं पहला राउंड। हो सकता है आपकी श्वास बीच में छूट जाए तो छोड़ देना, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक उसे सामान्य रूप से कराएं, जिसमें हर कोई जुड़ सके। अपनी दाई नासिका को बंद करो, अंगूठे से दबाओ, लेफ्ट नासिका से श्वास बाहर, फिर पूरा श्वास भरो और एकाग्रता मूलबंध के साथ मूलाधार चक्र पर। बाई नासिका बंद कर दो। नाड़ी शोधन की ही तरह बाई नासिका बंद और पूरी एकाग्रता मूलाधार पर। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद रखो और राइट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ो। वापस श्वास भीतर भरो, बंद कर दो राइट नॉस्ट्रल और एकाग्रता मूलाधार पर। ठहरो, क्षमता बढ़ाओ। राइट नॉस्ट्रल को बंद ही रखो और लेफ्ट नॉस्ट्रल को खोलते हुए श्वास बाहर। दोनों नासिका को खोलकर थोड़े श्वास सामान्य हो जाने दो। प्रक्रिया आप समझ गए। अब हम सभी मूलभूत चक्रों के ऊपर इस साधना को करेंगे। वापस एक बार मूलाधार पर करते हुए फिर हम क्रम से बिना रुके आगे बढ़ते जाएंगे। आप पूरी सजगता से, होश से हमारे निर्देश को सुने और बस मात्र उतना ही करें। प्राणायाम मुद्रा में आ जाएं। राइट हाथ का थंब राइट नॉस्ट्रल के पास, दोनों उंगलियां आज्ञा चक्र के पास, उसके बाद की दोनों उंगलियां लेफ्ट नासिका के पास। राइट नासिका बंद, लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ें, फिर पूरा श्वास भरें, नासिका बंद और मूलाधार चक्र पर। महसूस करो इड़ा पिंगला सुषुम्ना। राइट नासिका खोलते हुए छोड़ो और राइट नासिका से ही वापस भरो। नासिका बंद और एकाग्रता मूलाधार पर। पूरी एकाग्रता स्त्रैण पौरुष और परमात्मा। लेफ्ट नासिका से छोड़ो। लेफ्ट नासिका से ही भरो। नासिका बंद और आ जाओ स्वाधिष्ठान चक्र पर। मूलबंध लगता है तो बढ़िया, नहीं लगता तो ऐसे ही। स्वाधिष्ठान चक्र। राइट नासिका से बाहर फेंको, पूरा फेंको, फिर राइट नासिका से पूरा भरो। नासिका बंद, एकाग्रता स्वाधिष्ठान पर। और लेफ्ट नासिका खोलते हुए बाहर।
फिर पूरा श्वास लेफ्ट नासिका से भरो, नासिका बंद और एकाग्रता मणिपुर चक्र, मेरुदंड में ऊपर उठो। मूल बंद हो बहुत अच्छा, ना हो तो सीधा मणिपुर। राइट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर और फिर पूरा भीतर भरो, नासिका बंद, एकाग्रता मणिपुर चक्र। लेफ्ट नासिका से बाहर पूरा लेफ्ट नासिका से बाहर निकाल कर भरो, नासिका बंद, एकाग्रता अनाहत चक्र पर। अद्भुत, तुम्हारे सभी गुण यहीं संतुलित होते हैं। राइट नासिका से बाहर फिर राइट नॉस्ट्रल से पूरा भरो, नासिका बंद और अनाहत केंद्र चक्र। पीछे आगे दोनों अनुभव कर सकते हैं। फिर लेफ्ट नासिका से बाहर फिर पूरा श्वास भरो, नासिका बंद और विशुद्ध चक्र पर एकाग्रता। हाथ दुखेगा पर डरना मत, बस कुछ देर और। राइट नासिका से बाहर फिर राइट से ही भीतर भरो, नासिका बंद और विशुद्ध चक्र। लेफ्ट से बाहर हाथ वापस अपने स्थान पर आ जाए, दोनों नासिकाएं अब सामान्य श्वासोश्वास पर। अंतर चक्षु से बंद आंखों से अपने मेरुदंड को एक बार देखो, पूरे मेरुदंड को महसूस करो। एक अलग ट्यूब है, उसमें तीन विभाग है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सारी एकाग्रता ले आओ आज्ञा चक्र पर। दोनों हाथ एकदम खोल दो उंगलियों को, पूरे सीधे होकर बैठो। आज्ञा केंद्र पर तुम्हारे फोरहेड के बीचों बीच सारी एकाग्रता, क्योंकि हमारी साधना का मार्ग सुषुम्ना से जब ऊपर उठता है तो मेरु मज्जा के माध्यम से आज्ञा चक्र तक आ जाता है। चेहरे पर प्रसन्नता लाओ, अनमोल अनुपम है ये साधना, तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को निखारती है। ये 14 के 14 गुण तुम में निखर कर बाहर आएंगे। कुछ देर के लिए अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाओ, इस प्रकार कि तुम्हारा मज्जा विशुद्ध चक्र की तरफ ढल जाए, बहुत ऊपर नहीं,
बस थोड़ी सी गर्दन को पीछे करो। आज्ञा चक्र ऊपर की तरफ चला गया। सहस्त्रार थोड़ा पीछे से नीचे की तरफ आ रहा है। यह मुद्रा विशेष होती है साधना की ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए। तुम महसूस कर पाओगे कि आज्ञा चक्र पर अलग ही कंपन है, अलग ही प्रकाश है। कुछ देर के लिए गर्दन ऊपर की तरफ, आज्ञा चक्र इस प्रकार से है कि अधिक से अधिक आकाशीय ऊर्जा को, एथरिक एनर्जीज को ले पा रहा है, क्योंकि अभी इस पूरे आकाश में एक अलग ऊर्जा फैल रही है। तुम्हारे आंखों में एक अलग कंपन, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग कंपन, तुम्हारे आज्ञा केंद्र पर एक अभूतपूर्व अनुभव। गर्दन वापस स्वस्थान पर ले आओ, पर एकाग्रता आज्ञा चक्र पर ही। चेहरा प्रकाश से भर जाता है। गले में जल की घूंटे आती है। कंप कपी शरीर में कितनी ही जगह उठती है, यह सब प्रमाण है कि सुषुम्ना से ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ चुकी है। बस अंतिम थोड़ी देर और पूरी एकाग्रता। शरीर को ढीला करते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है शरीर स्वयं को कसता जाता है। शरीर शिथिल करो, ढीला करो। इड़ा पिंगला सुषुम्ना का ये खेल उस परमात्मा की रचाई लीला ही है। बस इन तीन नाड़ियों के माध्यम से हम उस ईश्वर तत्व को, अपने भीतर रही भगवत अनुभूति को उजागर कर सकते हैं। कल के दिन का उपयोग करना, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, कल दिन रात कभी भी बैठकर अपने गुणों को संतुलित करना। यदि तुम पुरुष हो और तुम में भक्ति की कमी है, तुम में समर्पण की कमी है, तो कल का दिन उसके लिए श्रेष्ठ है। उजागर करो अपना समर्पण। यदि तुम स्त्री हो और तुम में वीर्य की कमी है, भय बहुत भरा है, डर लगता है,
तो उपयोग करना कल के दिन का तुम्हारे पौरुष गुण को प्रगाढ़ और प्रकट करने का, प्रकृति का एक गिफ्ट है, हमें एक भेंट है। पूरे शरीर को शिथिल करते जाओ, हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लो, लेकिन अभी भी साधना को रिवाइज करो। बाई नासिका से श्वास निकालोगे, भरोगे और चक्र पर उपयोग लगाओगे, फिर दाई नासिका से श्वास छोड़ोगे, भरोगे, वापस चक्र पर उपयोग लगाओ, फिर बाई नासिका से निकालोगे। यह तुम्हारा एक चक्र का उस पर की साधना होगी। अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं, जैसे आप नाड़ी शोधन करते हैं बस उसमें चक्र को जोड़ना है, इतना स्मरण रखें। तुम मनुष्य के देह में आए हो, तुम स्त्री या पुरुष के देह में नहीं हो, और तुम स्त्री होके भी मनुष्य तब हो सकते हो जब तुम्हारा पुरुष भाग पूरा उजागर हो, और तुम पुरुष होकर भी मनुष्य तभी हो सकते हो जब तुम्हारा स्त्रैण भाग पूरा उजागर हो, संतुलित हो। मनुष्य का जीवन यह संतुलन बनाने का एकमात्र अवसर होता है, और किसी भी योनि में, किसी भी जन्म में, गति में यह संभावना होती ही नहीं। तो इस मनुष्य जीवन को सार्थक करो, अपने भीतर की दिव्यता प्रगटाओ, यानी स्त्रैण और पौरुष का संतुलन प्रगटाओ, अपने भीतर का परब्रह्म प्रगटाओ, यानी अपनी शक्ति और शिव को संतुलित करो। अपने भीतर सदा शिव को जगाओ, यानी अपने रुद्र और हरा को संतुलित करो। जब ये द्वैत स्त्रैण और पुरुष, लेफ्ट और राइट, फेमिनिन और मैस्कुलिन संतुलित होते हैं, तभी अद्वैत में प्रवेश होता है। आंखें बंद ही रहे, अवसर है महसूस करने का तो करो।
में तो स्त्रैण और पौरुष दोनों समान, द्वैत में संतुलन हो तो अद्वैत में खो जाए। तरने का जब भाव हो, खोने का जब भाव हो, और सदगुरु मिल जाए, साचा मार्ग मिल गया, सब बंधन खुल जाए, साचा मार्ग मिल गया, सब बंधन खो जाए। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने ले आओ, जोड़ दो, और फिर इन हाथों को खोल के सबसे पहले आंखों पर रखो, फिर सहस्त्रार पर रखो, और फिर मेरु मज्जा को छूते हुए दोनों हाथ नीचे ले आओ और आंखें धीरे धीरे खोल दो। ध्यान के इस माहौल से, योग साधना के इस माहौल से लौटते हैं भगवत गीता की तरफ। एक छोटी सी भक्ति से वापस जोड़ो सबको। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं हूँ शरणागत प्रभु तेरा, मैं हूँ शरणागत प्रभु तेरा, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय बस एक ही वही, मैं तुम चरणों का पुजारी बनूं, मेरा निश्चय बस एक ही वही, मैं तुम चरणों का पुजारी बनूं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, प्यार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी इच्छा बस एक प्रभु हो, मेरी
इच्छा बस एक प्रभु, एक बार तुझे मिल जाऊं मैं, मेरी इच्छा बस एक प्रभु, एक बार तुझे मिल जाऊं मैं, इस सेवक की एक रग रग का, इस सेवक की एक रग रग का उतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। अथ भगवद गीता। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः, असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। सातवें अध्याय से भगवद गीता का भक्ति योग आरंभ होता है। एक से छः तक कर्म योग था, सात से बारह तक भक्ति योग चलेगा और तेरह से अठारह तक ज्ञान योग। अपने में कर्म योग संपूर्ण था, लेकिन अर्जुन बात समझ न पाया। कर्म योग से भी चला होता तो अर्जुन उसी आत्मज्ञान को पा लेता, लेकिन अर्जुन नहीं पाया। और वह नहीं पाया इसलिए पूरी मनुष्यता को ये पूरी प्रक्रिया कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की उपलब्ध हुई। एनफ था कर्मयोग को समझना। मुझे लगता है ये छः अध्याय संपूर्ण थे। कहीं आपको भी लगा कि क्या कोई बात अधूरी रह गई? आत्मज्ञान तक का, परमात्मा अनुभूति तक की सारी बातें तो आ गई थी उसमें, लेकिन वह नहीं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो पाया, जैसा कि तुम्हारे साथ भी हो रहा है। वर्षों से अलग अलग शास्त्रों को सुनते हो, अलग अलग साधनाओं को करते हो, लेकिन जिस अनुभूति के लिए आरंभ किया था उस अनुभूति को अभी अनुभव नहीं कर पा रहे। अर्जुन का भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन कर्म योग से भगवान ने समझाया। कर्म योग जब अर्जुन करने लग गया, जैसा कि मैं धारणा करती हूँ कि आप भी अब कर्म योग में तो आए होंगे। कर्म योग के जो चार मूलभूत बिंदु थे वह तो आपके जीवन में प्रवेश कर चुके होंगे। तो जैसे जैसे कर्म योग का प्रवेश होता है, दो संभावना है। या तो उस कर्म योग से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो चैप्टर खत्म, भगवद गीता क्लोज। लेकिन यदि उस कर्म योग को करते करते निष्काम कर्म, राग द्वेष रहित कर्म, कर्तापने के अहंकार रहित कर्म और समष्टि के कल्याण के लिए कर्म, ये चारों प्रकार से कर्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो यहाँ से एक दूसरा रास्ता निकलता है, उसे भक्ति योग कहते हैं। यानी कर्म योग करते करते साधक की बुद्धि उतनी तैयार हो गई कि अब भक्ति यानी रहस्यात्मक बातों को समझने के लिए वह तैयार है। इस अध्याय का नाम ही है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान और विज्ञान शब्द जब दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं
ज्ञान विज्ञान दोनों शब्द कहीं कोई भेद नहीं होगा, बीच में कोई बीच में स्पेस नहीं है, एक ही शब्द है ज्ञान विज्ञान। जब ज्ञान विज्ञान शब्द एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं तो उसका मतलब होता है रहस्यात्मक बात। भक्ति योग की शुरुआत ही होती है रहस्य उघाड़ कर, लेकिन ये रहस्य भी व्यक्ति तभी समझ पाता है कि जब उसकी बुद्धि कर्म योग को करते करते ऐसी पवित्र हुई है, हृदय का वह भाग खिला है कि अब रहस्य को समझने स्वीकार करने की तैयारी है। क्योंकि कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी इस अध्याय के अंदर, भगवान कृष्ण कुछ ऐसी बातें करेंगे कि यदि तुम कर्म योगी नहीं हो तो तुम शंका कर करके ही भाग जाओगे यहाँ से, लेकिन यदि तुम कर्म योगी हो तो तुम आशंका करोगे। शंका और आशंका में फर्क है, यही इस पहले श्लोक में ही आएगा। असंशयम लिखा है तुम्हारे में, असंशयम यानी ये आशंका की बात कर रहे हैं। एक चित होता है संशय वाला और एक होता है असंशय वाला। असंशय का मतलब ये नहीं होता कि शंका चली गई, असंशय में भी संशय शब्द है ना, अगर शंका चली ही जाती तो श्रद्धा कह देना बेहतर था, लेकिन भगवान ने शब्द यूज किया असंशय। संशय वाला चित उसको कहते हैं जो सुनने वाला है वह कहने वाली बात के बात को डाउट करता है, बात को डाउट करता है। मैं तुमसे कुछ कह रही हूं और तुम सीधा शंका करो, डाउट करो, रिजेक्ट करो, ऐसा नहीं हो सकता। कहां लिखा है ये, कैसे हम समझ पाए, हो ही नहीं सकता। और दूसरा आशंका वाला यानी असंशय वाला वह चित होता है जो ये कहता है आप जो कह रहे हैं ये तो सही है, लेकिन मेरी मति की इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ता विशालता नहीं है, मेरी बुद्धि इतनी छोटी है इसलिए मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। भक्ति योग को समझने के लिए असंशयात्मक बुद्धि चाहिए, और ये असंशयात्मक बुद्धि बनती कैसे है, जब आपने कर्म योग को अपने जीवन में अपनाया। नहीं तो ये छह अध्याय सुनकर आपको लगेगा क्या लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कृष्ण, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, सच में लगेगा। लेकिन यदि आप कर्म योगी हुए हैं तो आपकी बुद्धि के अंदर असंशयात्मक गुण प्रकट होता है, और जब असंशय होता है तो भी तुम्हें बात समझ नहीं आती, संशय में भी तुम्हें बात समझ ना आएगी, असंशय में भी तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन संशय के अंदर तुम कहने वाले को गलत मानते हो और असंशय के अंदर तुम स्वयं को गलत मानते हो, ये भेद है। भक्ति योग एक एक शब्द चुन चुन के डाला है। भक्ति योग की क्वालिफिकेशंस बताई हैं इस पहले ही श्लोक के अंदर। पहले तो जिसने कर्म योग किया होगा उसके लिए भक्ति है, क्योंकि इस भक्ति योग में तो तुम भी जानते हो कि अभी भगवान का विराट स्वरूप प्रकट होगा 11वें अध्याय के अंदर, और उस विराट स्वरूप का कथन आज से ही प्रकट हो जाएगा। अब ऐसी रहस्यात्मक बातें सुनने बैठे हो, इज दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट? क्या केवल एक मनोरंजन के लिए बैठे हो कि थोड़ा आत्मा अनुभूति की तरफ भी सरकना है? यदि सरकना है तो पूरे भक्ति योग से पहले कर्म योग का पालन, उसकी चार मूलभूत जो व्याख्या थी, जो उसकी हमने पॉइंट्स देखे थे, यदि उसके पालन पूर्वक जीवन हो रहा है तो तुम्हारी बुद्धि अपने आप ऐसी हो जाएगी कि अब ये रहस्यात्मक बातों में आशंका करेगा लेकिन शंका नहीं करेगा, आप गलत हो ऐसा नहीं कहेगा, मैं समझ नहीं पाता ऐसा कहेगा। ये भक्ति के लिए योग्यता है। इतनी योग्यता हो तो बात को आरंभ करो। ये योग्यता है अब, ऐसा लगता है तुम लोग, क्योंकि ऐसी ऐसी बात करेंगे कि चांद और सूरज में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, जल में जो तरलता है वो मैं हूँ, पृथ्वी में जो गंध है वो मैं हूँ, कैसे मानोगे? ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो ग्रेविटेशन है वो मैं हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैं हूँ। अब ये तो तुम्हें लगेगा ठीक है, बोल जाओ क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस मैं तत्व तक पहुँचाने के लिए ये भक्ति योग है पूरा। और ये भक्ति योग कर्म योग के बाद ही है, पहले भी ले लेते ईश्वर अपना पहले से स्वरूप समझा देते नहीं, लेकिन तब तुम शंका से भरे हुए ही रहते। अगर कर्म योग तुम्हारे जीवन में ना आया तो तुम भक्ति योग की हर व्याख्या के ऊपर संदेह में रहोगे। ऐसा होगा भी, कहाँ लिखा है ऐसा, किसने देखा है ऐसा,
जिसने देखा जाना, इनफैक्ट जो है इस रूप, वही इस बात को बता रहा है, भगवान कृष्णा। उसके मुख से बात आ रही है, लेकिन तब तुम्हारे अंदर असंशयात्मक गुण, दो गुणों की बात की है, वैसे चार लिखे हैं इसमें। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से, अनन्य प्रेम से, अनन्य शरण चाहिए पहले। श्रीमद ने भी कहा ना, अनन्य शरण ना अपना रेवा श्री सदगुरु देव ना चरण मा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अनन्य क्या होता है, बहुत बार हमने इसके ऊपर बात की है, नारद भक्ति में भी अनन्य शब्द आया था, लेकिन आज भगवत गीता की अपेक्षा से तुम्हें समझाऊं तो एक बात याद रखना, तुम इस जीवन में अनन्य प्रेम किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। तुम या तो परमात्मा से अनन्य प्रेम कर सकते हो, यानी उस विराट से, या वो विराट रूप जो हुआ है यानी सतगुरु, उससे तुम अनन्य प्रेम कर सकते हो, और किसी से कर ही नहीं सकते। ये सिद्धांत नहीं है, मैं समझाऊंगी तुम्हें। क्योंकि जब भी तुम इस जगत में किसी से भी प्रेम करने जाते हो, तुम किसी से भी प्रेम करने गए, तुम इससे प्रेम करने गए, तो जो व्यक्ति प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं होती है, कुछ आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। वह अपनी सीमाओं के साथ दूसरे व्यक्ति से प्रेम करने जाता है, तो उसकी भी अपनी सीमाएं होती है, और ये दोनों सीमाएं आपस में टकराती है। तुम इस जगत के जितने भी लौकिक व्यक्तियों से प्रेम करने जाओगे, स्त्री पुरुष से करे, या दो मित्र मित्र के बीच में हो, माँ बेटे का भी हो, बाप बेटे का भी हो, किसी का भी प्रेम हो, लेकिन होता क्या है, चूंकि व्यक्ति सामान्य है, सदगुरु नहीं है, व्यक्ति सामान्य है, तो तुमने अपनी दीवारें खड़ी कर रखी है। मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश मेहता हूँ, मैं ऐसा हूँ, तुमने अपने बारे में सारी आइडेंटिफिकेशन एक तुम्हारी है। इसी प्रकार पारुल प्रभु की भी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, दोनों एक प्रेम में जाते हैं, लेकिन अपनी दीवारों को संभाल कर। जहाँ तुमने इनकी दीवार को तोड़ा, तुम दोनों के बीच में झगड़ा होता है, यही तो झगड़ा है। जहां इन्होंने आपकी दीवार को तोड़ा, आप दोनों के बीच में दरार आएगी। यहां इस जगत में कोई भी दूसरे से प्रेम करने जाता है, वो प्रेम केवल शारीरिक मानसिक स्तर का होगा, लेकिन अध्यात्म अनन्य प्रेम को मांगता है। यानी तुम बेशक अपनी दीवार लेकर खड़े हो, लेकिन जब तुम वह दीवार लेकर किसी दीवार रहित अनंत में खोए हुए शून्य व्यक्ति की तरफ आते हो, अब कोई टकराव नहीं है, अब हम दोनों के बीच कोई टकराव नहीं, और यहां से तुम्हारे पिघलने का कार्य शुरू होगा। क्योंकि जब तक दो में घर्षण चल रहा है, पिघलन नहीं होगा। जब घर्षण बंद हो गया, तभी तुम्हारा पिघलना संभव है, हाँ के नहीं। अब तुम्हारी दीवारों पर या तो तुम वहां से तोड़ सकते हो, या मैं तोड़ू, तुम नहीं तोड़ पाते, इसलिए मैं तोड़ती हूँ इन यौगिक क्रियाओं से। लेकिन जब दोनों की दीवारें टकराएगी, तो कोई एक दूसरे को तोड़ने में मदद नहीं कर सकता। वो चाहे कितना भी चाहे मैं इसकी दीवार को तोड़ू, पारुल प्रभु कितना भी चाहे मैं उसकी दीवार को तोड़ू, लेकिन भाई तुम खुद अपने आसपास दीवार बना के बैठी हो, तुम कैसे तोड़ोगी? दीवार तोड़ने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दीवार के बाहर हो, या जिसके आसपास दीवार ना हो। तो ऐसा व्यक्ति या तो ईश्वर को पकड़ लो, और वह ईश्वर तुम्हारी इस बंद मुट्ठी में नहीं आ सकता, तो ईश्वर कहते हैं मैं उस बंद मुट्ठी को भेजता हूँ सद्गुरु रूप में। अनन्य प्रेम, यह अनन्य शब्द इसलिए आया क्योंकि बीच में दीवार नहीं है। तुम बेशक अपनी हजार दीवारों को लेकर आओ मेरे पास, लेकिन मेरी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है इनसे। मैं अपने आप को ना स्त्री रूप देखती हूँ, ना शरीर रूप देखती हूँ, ना पौरुष के गुण रूप देखती हूँ, ना अपने आप को मन रूप देखती हूँ, ना अपने आप को किसी भी रूप में देखती हूँ। मैं तो अपने आप को परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखती हूँ, और जब उस परब्रह्म परमात्मा, खाली मानसिक रूप से नहीं, अनुभव सुषुम्ना के स्तर से, सुषुम्ना से वह धाराएं ऊपर की तरफ उठी है, जिसके अंदर ये सारी दीवारें गिरी है, और जब कोई ऐसे व्यक्ति के पास आकर आप समर्पण करते हैं, तब वापस, अभी फ्राइडे के सत्संग में ही मैंने कहा था कि सारे के सारे कायदे कानून लॉज प्रिंसिपल नियम जो कार्मिक सत्ता के अंदर जीता है ना, उसके लिए है। कर्म का एक विज्ञान है, कर्म की एक सत्ता है, कर्म की एक का एक गणित है। सारा गणित, सारे कानून जो कार्मिक सत्ता में जी रहा है, उसके लिए है। लेकिन सदगुरु ईश्वर एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इस सत्ता से बाहर जा चुका है, यानी जो शून्य में खो गया है,
और शून्य वैसे गणित का हिस्सा है, लेकिन गणित के नियम नहीं चलते शून्य पे। उसी प्रकार दूसरी तरफ इन्फिनिटी, अनंत इन्फिनिटी जिसे कहते हो, वो भी है गणित का भाग। तुम्हें गणित शास्त्रों में इन्फिनिटी भी मिलेगा, लेकिन इन्फिनिटी पर भी गणित के नियम, गणित के कायदे लागू नहीं होते, जैसे शून्य और अनंत पर गणित के होते हुए भी गणित के नियम और कायदे नहीं चलते। इसी प्रकार जो इस जगत में रहकर शून्य हो गया, अनंत में खो गया, उसके ऊपर भी कर्म का गणित नहीं चलता। और ऐसे व्यक्ति की शरणागति में, मुख्य ये बात है, ऐसे व्यक्ति की शरणागति में जब हम प्रवेश करते हैं, यानी हमने शून्य की शरणागति की, अब तुमने शून्य की शरणागति की, तो कर्म के कायदे, कर्म के कानून तुम्हारे ऊपर भी लागू नहीं होते। इसी को हम कृपा कहते हैं, इसी को हम ग्रेस कहते हैं, इसी को हम कृपा कहते हैं। वह कर्म के कायदे, कर्म के कानून से अचानक उछलकर बाहर आ जाता है जो शून्य के प्रति समर्पित होता है, वह कर्म के कानून से बाहर। और वह शून्य के प्रति समर्पण का अर्थ यहाँ है अनन्य प्रेम। इस अनन्य प्रेम को तुम केवल शून्य या अनंत में खोए हुए व्यक्ति के प्रति ही कर सकते हो। ये भी दो शब्द नहीं है अलग अलग, शून्य अनंत एक ही है। और तुम्हें मालूम है ना, शून्य और अनंत पर गणित के नियम नहीं होते। 1/0 करोगे तो क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड। बड़ा आसान था कह देना 1 को 0 से डिवाइड करो तो 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, नहीं। इतनी बुद्धि थी उन लोगों में, लेकिन उन लोगों ने भी क्या कहा, नॉट डिफाइंड। हम इस बात को डिफाइन नहीं कर सकते। एस रामानुजम, हिंदी के गणित के मास्टर, जिनमें से कितनी विशेष विशेष शोधें आई, जब वे भी रेत के ऊपर, कहते हैं साउथ इंडिया के मंदिरों के बाहर नाचते थे और काली की पूजा करते थे, काली के भक्त थे, और साउथ इंडिया के मंदिरों के बाहर रेत के अंदर वो इन्फिनिटी बनाते थे, और तब उनसे पूछते थे कि ये तुम्हें कैसे पता चला, जो सिंबल ही नहीं है वो तुम्हें पता कैसे चला? वो कहते हैं मुझे काली आके बताती है। काली आके बताती है मतलब द एंटायर डार्कनेस, जो एटर्नल एनर्जी है उसके साथ वो कांटेक्ट में आते हैं, और इस वजह से उनको ये इन्फिनिटी और शून्य जैसे शब्द समझ में आते हैं। लेकिन जो भी शून्य और इन्फिनिटी से गणित का जो भी अक्षर संबंध जोड़ता है, जो भी अंक, अक्षर नहीं, गणित का जो भी अंक इस शून्य और इन्फिनिटी से संबंध बनाने जाता है, वह गणित के नियम से बाहर हो जाता है। इसी प्रकार तुम भी कार्मिक सत्ता के अंदर हो, लेकिन जब तुम शून्य और अनंत के साथ संबंध बनाते हो, तुम भी कार्मिक सत्ता से बाहर हो जाते हो। ऐसा अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त, आहा, उसका चित्त, उसके मन, उसके विचार, सब कुछ मेरे बारे में ही, ये मैं को ज्यादा नहीं हो रहा। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त, ये कृष्ण मुझ को बोल रहे हैं। कौन सा मुझ बोल रहे हैं? परब्रह्म। ये वासुदेव कृष्ण नहीं बोल रहे। देखो, एक वर्ग है जिसने देखा ये वासुदेव कृष्ण बोल रहे हैं तो उसके प्रति शरणागति में लग गया, कृष्ण के मंदिर बनाए, कृष्ण की पूजा की, कृष्ण के आसपास नाचे, व्रत रखे, सब कुछ किया। एक वर्ग है जिसे ये बड़ी अहंकार से भरी हुई घोषणाएं लगती है कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है, तुम मेरी शरण में आ जा। ऑल्दो श्रीमद ने भी कहा हम ही कृष्ण है, हम ही महावीर है, हम ही राम है, लोगों को लगता है बड़ी अहंकार पूर्ण घोषणा कर रहे हैं, लेकिन ये तब मैं किसको कह रहे हैं? परब्रह्म को। तो दूसरा जो वर्ग है उसको ये अहंकार से भरी घोषणा लगती है तो वो भी इसका विरोध, इसके विरोध में चला जाता है, द्वेष करता है, दूर भागता है। ये दोनों ही पक्ष गलत है। जो वासुदेव कृष्ण समझकर कृष्ण को पूज रहे हैं, मैं उसको मान रहे हैं, दे आर ऑल्सो रॉन्ग। और जो वासुदेव कृष्ण के अहंकार को इन शब्दों में देखकर उनसे दूर भाग रहे हैं, वो भी गलत है। लेकिन जो इस मैं से परब्रह्म समझ रहे हैं, शिवा समझ रहे हैं, सदाशिव समझ रहे हैं, सुषुम्ना समझ रहे हैं, आकाश, महाआकाश समझ रहे हैं, वही लोग इस भक्ति योग के लायक है। बाकी सारे तो इस भक्ति योग को बड़ी ऊंची ऊंची बातें सुनकर सुनकर तो चले जाएंगे, लेकिन अपने भीतर उनके कोई भी रूपांतरण या स्खलन, समझते हो, अंदर कुछ हिला, ऐसा कुछ हिलेगा नहीं तुम्हारे भीतर। यहाँ कृष्ण कहते हैं 4 शर्तें दी है। पहली, अनन्य प्रेम हो। अनन्य प्रेम तुम समझ गए,
दीवार है तुम्हारी, तुम खुद अपनी दीवार को नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन जो दीवार के बाहर है जब उसकी शरणागति में आते हो तो दीवारें टूट जाती है तुम्हारी। दूसरी, आसक्त चित्त, यानी उसी के मैक्सिमम विचार। तुम देखना तुम कब इस शरणागति के संबंध में हो, जब दिन में तुम्हें कितने विचार तुम्हारे गुरु के आते हैं, या उसके सामने पलड़े में रखो कितने विचार तुम्हें संसार के आते हैं। कौन सा पलड़ा भारी होता है ये तुम्हें खोजना होगा। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ कौन रहता है, भक्ति योग का सारा लेना देना उससे है। यदि ऐसा आसक्त चित्त है कि संसार के विचार से ज़्यादा सद्गुरु के विचारों से चित्त भरा हुआ है, मतलब तुम शरणागति में हो। तीसरा, मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ, यानी कोई ना कोई योग क्रिया का अभ्यास चल रहा है, खाली बस गाना बजाना हंसना याद करना उतना नहीं, कोई ना कोई यौगिक क्रिया के साथ अभ्यास, पिछली बार आया था ना वैराग्य और अभ्यास, कोई ना कोई अभ्यास में जुड़े हो। और उसके बाद लिखा है मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। चौथा, पीछे आगे लिखा हुआ है संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा। संशय रहित यानी तुम्हें शायद समझ ना आए जो कुछ मैं आगे कहने वाली हूँ, अब हो सकता है तुम्हें कुछ समझ ना आए, लेकिन फिर भी तुम्हारा निर्णय क्या होगा, प्रभु गलत कह रहे हैं ऐसा नहीं, शास्त्रों में गलत लिखा है ऐसा नहीं, शास्त्रों ने अतिशयोक्ति कर दी, एग्जाजरेट कर दिया ऐसा नहीं, मेरी बुद्धि इतनी छोटी है कि इतने विराट स्वरूप को मैं समझ नहीं पा रहा, ये भक्ति के कायदे हैं। क्या तुम भक्ति योग के लिए तैयार हो? दूसरा, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नहि भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, ये जो शब्द है विज्ञान सहित तत्व ज्ञान, इसका अर्थ होता है रहस्य। रहस्य क्योंकि कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो वैज्ञानिक है लेकिन तेरी बुद्धि समझ न पाएगी, इसलिए रहस्य है। कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो ज्ञान तेरे में भरा पड़ा है आत्मज्ञान रूप में, लेकिन अभी तुझे अनुभव नहीं, इसलिए तेरे लिए रहस्य है। इसलिए विज्ञान के एंगल से भी तुम्हारे लिए रहस्य है और आत्मज्ञान के एंगल से भी जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ अब वो सब तुम्हारे लिए रहस्य है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, मात्र कहूँगा। कृष्ण बिल्कुल कंडीशन क्लियर है, मैं मात्र कह सकता हूँ। जिसको जानने का कार्य किसे करना है? स्वयं को। जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कहते हैं भगवान बुद्ध एक बार वन में बैठे थे, जंगल में मस्त थे, कुछ काम नहीं था, उस दिन का ध्यान भी हो गया था। जैसे तुम कभी कभी ऐसे होते हो कि सब काम हो गया और बैठे बिल्कुल आराम से पैर पर पैर चढ़ा के बैठे हैं भगवान बुद्ध, आनंद उनके साथ परछाई की तरह रहता था। और उस परछाई ने यानी आनंद ने उस दिन बुद्ध से प्रश्न कर लिया अचानक कि भगवान आपसे एक प्रश्न काफ़ी दिनों से करना चाहता हूँ, कर लूँ? क्या कहेंगे? भगवान तुम्हारे प्रश्नों से डर जाए ऐसा हो सकता है क्या कभी? नहीं, पूछ, जो पूछना है पूछ, सिलेबस में है कि नहीं है, जो तेरे को पूछना है पूछ। आनंद ने बड़े प्यार से पूछा, दोनों हाथ जोड़ कर आँखें झुका कर भगवान से पूछा, भगवान जितना आप जानते हैं क्या सब कुछ आपने कह दिया या कुछ बाकी है? क्या प्रश्न था! ऐसा प्रश्न भी सूझे उसको हम आनंद कहते हैं, ये प्रश्न भी हमें तो नहीं सूझते। भगवान जितना आप जानते हैं, जितना आपने जाना, क्या वो सब कुछ आपने कह दिया या अभी कुछ बाकी है? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कहे तो मैंने सब कुछ दिया परंतु जरूरी नहीं आनंद कि सब कुछ समझ लिया गया हो। जो कुछ भी मैंने जाना था सब कुछ बता दिया लेकिन जरूरी नहीं कि सुन लिया गया हो। जितना कुछ भी बताने जैसा था
मैंने बिना छिपाए सब कुछ बता दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं आनंद कि सब कुछ प्रकट हो ही गया हो। बताना मेरा कार्य है, सुनाना मेरा कार्य है, प्रकट करना और समझना साधकों का कार्य है। और इसलिए हर बुद्ध पुरुष नॉन स्टॉप बोलता जाता है, नॉन स्टॉप वो चाहता है, क्योंकि वह यह समझता ही नहीं इस बात को कि तुमने समझ लिया। और इसलिए वह उसकी यह बड़ी नासमझी जो है ना, कि वह ना समझ रहता है कि तुम समझ गए। इस कारण वह कंटिन्यूअसली बुद्ध अंतिम दिवस के अंतिम मृत्यु से अंतिम प्रहर से पहले तक भी देशना देते थे अंतिम। और भगवान महावीर का तो तुम्हें पता ही है, वो उठ के वहां से सीधा अंतिम कार्य किया उन्होंने। देशना से उठकर बुद्ध ने तो एक प्रहर पहले खत्म किया, भगवान महावीर ने तो अंतिम श्वास तक बोला। कितना बोलते हैं और तुम मुझे कहते हो। कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि बच्चे अर्जुन, मैं कह तो दूंगा सब कुछ, लेकिन जानने का कार्य तेरा है। और जाने का कब? तू ज्ञान योग में। देखो, समझाने का कार्य कृष्ण का है, समझाने के बाद सबसे पहले आएगा कर्म योग, करने का काम। करने के बाद जैसे जैसे तुम करते गए, तुम्हारी मति के अंदर थोड़ी सूक्ष्मता आती गई, वैसे आएगा रहस्य को जानने का समय, रहस्य को समझने का समय। और जब तुम रहस्य को समझ कर अब भीतर साधना शुरू करोगे, तो अब आएगा जानने का कार्य, यानी ज्ञान योग। इस प्रकार ये तीन योग इस भगवद गीता के अंदर विभाजित किए। थर्ड, मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तुम आज जहाँ बैठे हो, ये स्थान कितना दुर्लभ है, यह भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तुम आज जिस खोज पर निकले हो, वह खोज कितनी दुर्लभ है। हजारों लाखों में कोई एक मेरे को जानने की आकांक्षा करता है, इच्छा करता है। ऐसे हजारों लाखों इच्छा करने वाले इकट्ठे हो, उसमें से भी कोई एक मेरे अनहद स्वरूप को अनुभव कर पाता है। यानी तुम आज जो इस सभा में बैठे हो, तुम भी अपने लिए भले अभी अनुभव तक नहीं पहुँचे, लेकिन तुमने इसको जानने की जो इच्छा की है ना, हजारों लाखों में तुम एक हो, ऐसा ही समझना। यह प्रतिपादन इसी बात का है कि भगवत स्वरूप को जानना अत्यंत, उसको जानने की इच्छा करना ये भी अत्यंत दुर्लभ है। आगे के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक के अंदर अब भगवान कुछ ऐसा बोलने जा रहे हैं जो तुम्हारी समझ से वैसे बाहर है, लेकिन तुमने चूंकि ये बिग बैंग और शिवा और शक्ति और ये सब बातें समझी है, तो शायद तुम इसको समझ भी पाओ। 4, 5, 6। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरायमितः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धारयति जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारयः अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये आठ बातें कही। ये आठ जो है
मेरे में से ही निकली क्या है, अपरा प्रकृति, स्थूल, ग्रॉस वर्ड, ग्रॉस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आंखों से देख सकते हो, ग्रॉस कहा, मन, बुद्धि, अहंकार, यहाँ फील कर सकते हो, ये मन तुम्हारा भटक रहा है, तुम फील करते हो ना मेरा मन भटक रहा है, मैंने यह निर्णय लिया, ये बुद्धि का काम, अहंकार नहीं, मैंने जो बोला वही होना चाहिए, इनको भी तुम फील कर सकते हो, इसलिए सब अपरा के अंदर डाला, यानी ये मेरी स्थूल प्रकृति है। देखो अभी बहुत जबरदस्त डिफरेंस आ जाएगा ये 3 श्लोकों में और आगे के 5 के अंदर, एक जबरदस्त डिफरेंस क्रिएट होने जा रहा है। अंतिम 10 मिनट हैं, पूरे सजग हो जाओ इस बात के लिए। यहाँ इन श्लोकों में क्या कह रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। मेरी मतलब वासुदेव कृष्ण, परब्रह्म, शिवा, शक्ति, उनकी बात चल रही है। यह 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, स्थूल प्रकृति है, जड़ है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा, दूसरी तरफ कौन सी है, जीव रूपा, मैंने बताया था एक ही एनर्जी है, उसमें से कॉन्शियसनेस आया, उसमें से ही मैटर आया। मैटर में क्या क्या डाल दिया इन्होंने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। पृथ्वी सबसे स्थूल और अहंकार सबसे सूक्ष्म, और सबसे सूक्ष्म यानी सबसे व्यापक। पृथ्वी सबसे स्थूल है और अहंकार सबसे सूक्ष्म, यानी तुम्हारे अस्तित्व को जिसने पूरा घेरा है, हर तरफ से घेर रखा है, सिर से लेके पैर के नाखून तक, वो सारा अहंकार। ये भी मेरी प्रकृति है, किसकी, परब्रह्म की प्रकृति है, यानी ये टोटल मैटर भी उसमें से आया है, और ये जो कॉन्शियसनेस है ये भी मेरी प्रकृति है। ऐसा समझ, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और इस जगत में जितना कुछ भी उत्पन्न हुआ है ये इन्हीं दोनों में से तो उत्पन्न हो रहे हैं। एक तरफ इट्स अ प्ले ऑफ चैतन्य कॉन्शियसनेस, तो दूसरी तरफ यह खेल किसका है, इस 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार का, इन 8 प्रकृति का। तो एनर्जी में से ही निकली कॉन्शियसनेस और उसी में से निकला मैटर, एंड द एंटायर यूनिवर्स, एंटायर ब्रह्मांड, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये है क्या, ये इन्हीं का अलग अलग प्रोबेबिलिटीज एंड क्या बोलते हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है। संपूर्ण जगत का प्रभाव, और मैं कौन हूं, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूं। प्रभाव यानी उत्पन्न होने वाला, उत्पत्ति का कारण, और प्रलय यानी उसके नाश का कारण, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण तो मैं हूं। अब तुम समझ पा रहे हो ना मैं कौन है, वो जो बिग बैंग का पोस्टर था, आज है क्या, आज है बिग बैंग, नहीं है। बिग बैंग के पोस्टर में जो एकदम स्टार्टिंग का जो पॉइंट था, ये वहां से बात हो रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि शिवा और कृष्णा दोनों एक ही है, कोई फर्क ही नहीं है। कृष्ण भक्त जब कहेंगे तो वो कृष्ण की भाषा में बात करेंगे, शिव भक्त बात करेंगे तो शैव भाषा में बात करेंगे, लेकिन बात दोनों उस परब्रह्म एक की ही करने है। अब आगे के 7, 8, 9, 10 और 11 इसके अंदर भगवान पहली बार भेद डालेंगे। तो इस अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के अंदर में मेरे को ढूंढने का क्रम कैसे चलता है ये बात बताएंगे, 1, 7, 7 से 11। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसः अहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मिन् शशी सूर्यय प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु पुण्यः गन्धः पृथ्व्यां च तेजः चास्मि विभासो जीवं सर्वभूतेषु तप च अस्मि तप स्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिः बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम् बलं बलवातम चहम् कामराग विवर विवर्चितम् धर्म विरुद्ध भूतेषु कामः अस्मि भरतर्षभ हे धनंजय मैं बोल देती 7वें में कहते हैं हे धनंजय अर्जुन मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण है ही नहीं क्योंकि 8 तत्व जो बताए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार वो भी मुझसे आया और इस तरफ जो चेतना है जीव तत्व है जीव शक्ति है वो भी मुझसे आई है तो मेरे से भिन्न तो कोई दूसरा कारण है ही नहीं सृष्टि का
सृष्टि में तुम्हारी जहां जहां तक नजर पड़ रही है सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो मुझसे उत्पन्न हुआ है वो मैं नहीं हूं। अब यहां पर भेद चलेगा, मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे उत्पन्न हुआ ये बालक पार्थ को जान लो तो मुझे जान लिया, नहीं, मुझसे जो उत्पन्न हुआ है भगवान कह रहे हैं ये समस्त भूत और ये चैतन्यता सब कुछ मुझ में से उत्पन्न हुई है, लेकिन मुझसे उत्पन्न हुई है मेरे को जानने के लिए कुछ अलग वस्तु को जानना होगा। यहां से वास्तविक भेद, अब भक्ति का भेद यहां से शुरू होगा। क्या कहते हैं, हे अर्जुन, अगले 8 श्लोक में देखो, हाँ पहले से आत्मे में ही देखो, परम कारण नहीं है यह संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणियों के सदृश मुझमें गूंथा हुआ है, मैं अदृश्य हूं। ये पूरा जगत जो है ना, आज सूर्य कहो, चंद्र कहो, पृथ्वी, चांद, तारे, आकाश, ऋतुएं, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, इतने सारे पशु पक्षी, ये सब एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं कि नहीं? कोई तुम इन मणकों को देख पा रहे हो, लेकिन मणके किसी धागे से जुड़ी हुई है। तुम जो माला करते हो ना, तुम्हें केवल मणका दिखता है और मणका आगे घूमता जाता है, लेकिन उन सब मणकों में कांस्टेंट कौन चल रहा है, धागा, वह धागा नहीं दिखता। इसी प्रकार ये समस्त तुम्हें जगत नजर आता है, ये पंचभूत नजर आते हैं, ये सारी तन्मात्राएं नजर आती है, ये चैतन्य स्वभाव नजर आता है, लेकिन जो भीतर का तत्व है वो जो डोरी है जिसमें सारी मणियां गूथी हुई है वह अदृश्य शक्ति मैं हूं। उस अदृश्य शक्ति को पहचानना यानी मुझे पहचानना, नहीं तो तू कह मैंने पृथ्वी को देख लिया भगवान मेरे तो दर्शन हो गए जी। हाँ, क्योंकि अगर तुम ये मान लो कि पृथ्वी ही भगवान है, देखो भगवान में से आई है, भगवान में से आई है ये पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी भगवान नहीं है, पार्थ मुझ में से आया है। आप पार्थ प्रभु का दर्शन कर लो, आपने बेन प्रभु का दर्शन कर लिया, ऐसा रखे नहीं? कितनी अच्छे से बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार भगवान ने अब तक जो घोषणाएं करी उसमें ये कहा, ये सारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार मुझसे आया, ये चैतन्य भी मुझसे आया, लेकिन मुझसे आया वह मैं नहीं हूं, मेरे को अनुभव करने के लिए कुछ और देखना होगा। एम आई मेकिंग यू कन्फ्यूज? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तुम्हारा उत्साह कहाँ गया है? हाँ, दिखाया, दिखाया। See, he is talking too much in the terms of रहस्य, isn't it? इसीलिए इसको रहस्यवाद है ये। यहाँ से तुम नाम हटा के रहस्य योग डाल दो ना तो भी चलेगा, करना मत। जैसा है वैसा ज्ञान विज्ञान योग, लेकिन रहस्यात्मक बातें करेंगे। लेकिन बात क्लियर हो रही है? अभी तक तो तुम ये भी कह रहे थे, हमें ये भी क्लियर है कि सब मुझ में से आया है, यानी सब भी ईश्वर के हस्ताक्षर है। अब तक तो तुमने उसमें भी हाँ बोला था, और अब आज तो एकदम देखो, भगवान कभी भी पलटी बदल सकते हैं। अभी आज अचानक पलटी समझते, अपना टीम बदल ली उन्होंने। अभी तक कह रहे थे सब पर मेरे हस्ताक्षर है, तो क्या गलत है? गलत है, इस पर मेरा हस्ताक्षर है कि नहीं, लेकिन ये मैं नहीं हूं। तुम्हें बस ये, तुम खाली मुझे और पार्थ प्रभु को ध्यान रखना, तुम्हें पूरे कंसेप्ट भक्ति भक्ति योग के समझ में आ जाएंगे। मतलब खाली मुझे याद रखना, उसको नहीं, अनन्य भाव से, क्योंकि यहां तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो मैं जो हूँ वो अदृश्य शक्ति हूँ, पंचभूत में और चेतना में भी एक अदृश्य शक्ति है, दोनों में आ गई ना एक अदृश्य शक्ति। अब तो दोनों में एक अदृश्य शक्ति है ना, वो मैं हूँ। मेरे द्वारा बनाई गई को जान लेना बस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह मेरे द्वारा बनाई है, तो उसके ऊपर क्रोध, मान, माया, लोभ मत कर कि मैंने बनाया ये मत कह, क्योंकि सब कुछ मेरे में से उत्पन्न हुआ है। इसलिए तू ये अहंकार और मान आदि का भाव मत ले, तू उसे द्वेष और राग मत कर, बस इतने हद तक ठीक था। तेरे राग द्वेष मंद हो उस हद तक तुझे ये समझना जरूरी था कि सब पर मेरा हस्ताक्षर है, लेकिन अब मुझे जानना है, वीतराग स्वभाव को जानना है, परब्रह्म को जानना है, तो उसके लिए तो अब कुछ और ही बात करेंगे। देखो 8th में क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। 5 बातें, बहुत जल्दी समझ जाओगे तुम। जल दिख रहा है, जल किस में से आया है?
जल किस में से आया? परमात्मा से, परब्रह्म। तुम परब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा को, ऑल एक्सेप्टेड। जल कहाँ से आया है? जल तत्व परमात्मा से। तो वो जल तत्व मुझसे आया है, लेकिन मैं तो वो नहीं, तो मैं कौन हूं? जल का रस, जल की तरलता, वो मैं हूं। यहां से बात अब शुरू होगी। चंद्रमा और सूर्य कहां से आए? परब्रह्म से आए, परमात्मा से आए। चंद्रमा और सूर्य मुझ में से आए, तो उसको जान ले यानी मुझे जान लिया। सूर्य नमस्कार कर ले यानी मुझे जान लिया। सूर्य के आसपास परिक्रमा कर ले तो मुझे जान लिया। नहीं, उस चंद्र और सूर्य के भीतर रहा जो प्रकाश है वो मैं हूं, तो उनको उनके प्रकाश को जान ले। नहीं, वही प्रकाश जब तू अपने भीतर जानेगा तो वो मैं हूं, वो मैं। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं। वेद यानी ज्ञान, जितने भी ज्ञान है उन सब ज्ञान का परिणाम क्या है? ओम नाद, वह परम ध्वनि का अनुभव। जो ध्वनि कहाँ से चली आ रही है? उस महाविस्फोट से। यूं बैंग हुआ और ध्वनि निकली ना, ये ढम हुआ और ध्वनि निकली, महाविस्फोट हुआ, महाध्वनि निकली। तो वो ओम ध्वनि, सब ज्ञान, सब जानने में भी जो सबसे महत्वपूर्ण जानना, जब तू उस ओम ध्वनि को जान जाएगा तो वो ओम ध्वनि यानी बोल के नहीं। तुम कहो कल से हम ओम का 100 बार जाप कर ले, नहीं, ओम ध्वनि को बोल के नहीं, वह गगन गुफा में सुनाई देता है। वो जो आज गा रहे थे ना, ये गगन गुफा में ओम ध्वनि सुनाई देती है और फिर ये पूरे शरीर के अंदर भी प्रवाहित होती है। तो वो ओमकार में हूँ। आकाश में शब्द में हूँ, अलग अलग प्रकार का जो भीतर संगीत सुनाई देता है। पहला अध्याय याद है थोड़ा बहुत? भंवरे का संगीत, ओशन की वेव्स का संगीत, अलग अलग 5 प्रकार के बताए थे, सवितर्क समाधि और वो सारा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन वो सारे जितने भी शब्द और संगीत है वो सब मैं हूँ। और पुरुषों में पुरुषत्व, यानी केवल पुरुष पक्षी हैं? नहीं, तुम्हारे पुरुषार्थ के अंदर, पुरुष यानी तुम्हारे पुरुषार्थ के अंदर से जो पुरुषत्व यानी जो प्राप्ति हुई, वह प्राप्ति मैं हूँ। ये 5 बातें मैं हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं, देखते जाओ। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ। पृथ्वी के अंदर से गंध आती है, बाकी पृथ्वी का ना कलर होता है, हमने देखा था बीच में, सर्कल ऑफ मेडिटेशन में भी ओडरलेस होती है, खाली एक ओडर होता है खाली पृथ्वी में, बाकी सारे तत्व ओडरलेस होते हैं, गंध रहित है। तो यहाँ पर भी पृथ्वी में पवित्र गंध जो है वो मैं हूँ, यानी उस सुगंध तक पहुँच। और ये सुगंध कहाँ आती है? तुम्हारे भीतर उठती है। अब तुम कल से यहाँ स्प्रे डालना शुरू कर दो, ये नहीं, उस पर ब्रह्म के अंदर जो तुम्हारे भीतर से जो सुगंध उठती है वो मैं हूँ। और ये सुगंध बहुतों में से उठती है, बहुत जो उस तरफ पहुँच रहे हैं, अलग अलग तरह की सुगंध उनमें से स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से, बिना किसी अप्राकृतिक हस्तक्षेप के, स्वाभाविक रूप से उनके श्वासोश्वास के अंदर सुगंध होती है। जैन शास्त्र तो कहते हैं कि परमात्मा के पसीने में से भी सुगंध उठती है, तो वो जो सुगंध है ना वो परमात्मा का स्वरूप है, ये बात कह रहे हैं। वो सुगंध है, मैं हूँ। अग्नि में जो तेज है, जलाने की ताकत है, वो मैं हूँ। तेरे भीतर जब तू जाता है तो जो अग्नि प्रकट होती है और जो कर्म को जलाती है, कर्मों को खपाती है, वो जो जला रही है अग्नि, वो अग्नि मैं हूँ। आगे कहते हैं, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। संपूर्ण भूत को भूत रूप से रखने के लिए, पृथ्वी को पृथ्वी रूप रखने, पृथ्वी कभी पलट कर आकाश नहीं हो जाती, जल को जल रूप रखने, जल पलट के अग्नि नहीं हो जाता, हर वस्तु को, हर तत्व को, 5 भूत और मन बुद्धि अहंकार को उस रूप से रखने के लिए जो बाइंडिंग फैक्टर है ना, वो मैं हूँ। ये जो जल है, जल रूप ही रहेगा ना, अग्नि रूप तो नहीं हो जाता, पड़े पड़े गर्म हो सकता है, अग्नि तो नहीं बन सकता। तो जल को जल रूप रखने के लिए कोई एक अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है कि नहीं? अग्नि को अग्नि रूप रखने के लिए कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है, वह अदृश्य शक्ति मैं हूँ। और तपस्वियों का तप मैं हूँ। तपस्या जो करते हैं वो बाहर करते हैं, लेकिन उसमें जो तपता है, वो तपने की जो शक्ति है, वो मैं हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। बीज है, कारण है, वो मैं ही हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। बुद्धिमान किसको बोला यहाँ? बहुत तुम्हारे वाले इंटेलिजेंट लोग नहीं, बुद्धिमान यानी जिनकी प्रज्ञा जन्मी है, तो उनमें जो प्रज्ञा पैदा हुई है वो भी मैं हूँ। तेजस्वियों का ओज, उनका जो तेज है,
दिखता है कईयों पर, हमें वो तेज नजर आता है, तो ये जो तेज है ना वो मैं हूँ। इसलिए कहते हैं कि सद्गुरु का दर्शन मात्र भी गिरती वृत्तियों को अटकाता है, क्योंकि जिस तेज का तुम दर्शन कर रहे हो वो परमात्मा है। ये यहाँ कहा है, जिस तेज का, सद्गुरु परब्रह्म नहीं है, लेकिन सद्गुरु में से जो तेज बाहर आता है, जो प्रकाश, कितनी बार मुझे भी आके लोग बोलते हैं, सच के झूठ पता नहीं, और मैंने कभी खुद को ऐसे देखा नहीं, लेकिन अब ये तुम्हारा अपना चेक पॉइंट है कि यदि तुम्हें वह तेज दिखता है तो इसका मतलब तुम ईश्वर का ही दर्शन कर रहे हो। या भगवद गीता में कह रहे हैं भगवान कि वह तेज जो है ना, तेजस्वियों का तेज और ओज वो मैं हूँ। आगे 11वां में, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ। सो क्लियर, इज सो क्लियर। इतने 1:30-2 बजे भी कोई इतनी क्लियर क्लियर बातें कर सकता है? हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का, जिसमें पुरुषार्थ करने का बल है, और पुरुषार्थ उसी को बोला जाता है जो अनंत की अनुभूति के लिए हो। जो बाकी तुम्हारा पुरुषार्थ को क्या, जो छोड़ के जाने वाले उसके लिए तो पूरा दिन इकट्ठा करते हो, और जो लेके जाने वाले हो, जब तुम उसके लिए इकट्ठा करते हो तो उस पुरुषार्थ की बात कही है। उन बलवानों का आसक्ति और कामना रहित, अटैचमेंट और डिजायर के बिना का जो बल है, यानी पुरुषार्थी में जो वीर्य उछलता है, जो उत्साह उछलता है, जो 1:30-2 बजे भी आपके अंदर उमंग उछलती है, वो उमंग मैं हूं, ये कह रहे हैं। आश्चर्य है, 10:10 बजे से आके बैठे होंगे, अभी 4 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे, 2 बजेंगे तो 4 घंटे हो जाएंगे, नहीं बजाऊंगी, डोंट वरी, उससे पहले पहले खत्म कर देंगे, लेकिन इतने 4-4 घंटे में भी तुम्हारा नूर बढ़ता जाए और तुम्हारी उमंग और उत्साह तुम्हारे बढ़ते जाए, तो ये उमंग, उत्साह और जो नूर है ना, भगवान कह रहे हैं मेरी तरफ आता हुआ आसक्ति और कामना से रहित हो, और तब जो तुम्हारा नूर बढ़ रहा है, वो नूर, वो उमंग, वो तरंग, वो सब मैं हूँ। और सब भूतों में, आखिरी, सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल जो भी कर्म होते हैं, वो सब कर्म भी मैं हूँ। यानी अगर अभी तुम यहाँ बैठे हो तो जहाँ जहाँ भी धर्म भावना बह रही है, जहाँ जहाँ सत्संग बह रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं वहाँ वहाँ केवल मैं ही बह रहा हूँ। आज बस इतना ही। अद्भुत होगा भक्ति योग, तुम्हें बहुत मजा आएगा यदि तुम असंशयात्मक हो। तुम ये सोचकर ही मत आना कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ये सोचकर ही मत आना, क्योंकि रहस्य कहाँ किसे जाता है। यदि मिस्ट्री तुम्हें समझ में आ जाए तो मिस्ट्री कहाँ रही, तो वो ज्ञान हो गया या विज्ञान हो गया। बड़ा मिस्टेरिकल है, बट यू कैन ओनली एंजॉय व्हेन यू हैव अनन्य प्रेम और असंशय बुद्धि। बस, थैंक यू। भगवद गीता है बरसती आज, भगवद गीता है बरसती आज, पाया मैंने जीवन का राज, पाया मैंने जीवन का राज, सनातन सत्य है जाना, सनातन सत्य है जाना, जय होवे गुरुदेव, तुम्हारी जय होवे गुरुदेव।